वसल्लम अलैक हबीब अल्लाह सब मिलके वसल्लम अलैक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक हबीब अल्लाह। दो तीन से समझ करें मेरे बात बल गए हैं, मेरे बात बल गए हैं, तेरे बात करते करते मेरे बात बल गए हैं, तेरे बात करते करते मेरे बात बल गए तेरी बात करते करते मेरे बात बल गए तेरी बात करते करते तेरे से तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में आओ। और ये विशेष समाज के तेरे इश्क के बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत जिंदगी मिली है मुझे मौत तेरा तेरा का मुझे मौत तेरा तेरा का मुझे मौत तेरा तेरा का तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत तेरा करते मुझे मौत तेरा आका। अब मेरे सुन सुन घर में कभी रौनक अता हो, मेरे सुन सुन घर में कभी रौनक अता हो, वो हे जाओ तेरी रात तकते तकते मैं दीवाना हो गे जाओ तेरी रात तकते तकते मेरे बात बन गए और यहाँ से समाप्त करें मेरी ऐसी हाजरी हो कि कभी न वापसी हो, मेरी ऐसी हाजरी हो कि कभी न वापसी हो, मेरे सदका पंजतन का मेरे सदका पंजतन Yeah.
मुझे वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि तेरे नाम को खुदा ने सुन ले मोहब्बत कि तेरे नाम को खुदा ने तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया, कह दे सुभान अल्लाह, तेरे नाम को खुदा ने परम बनाया, सभी अंबिया की सब में तुझे मोहतशम बनाया, सभी अंबिया की सब में तेरे सदके में खुदा को तेरा माशाल्लाह हमारे स्टेज बैठे हैं हमारे उस्ताद मोहतरम कारी गियासुद्दीन साहब अल्लाह और दूसरी जानिब अली रसूल सल्लल्लाहु और शरीफ अहले सुन्नत जौहर वशाली साहब बड़े भाई शबीर अकबर तमाम माइक और नीचे भी हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं हमारे नजीर साहब, आपके हवाले पढ़ता हूं, सुन ले एक बार, कह दे सुभान अल्लाह शुक्रिया आपने, सुन ले, हां जो खुदा का मुस्तफा तक है पयाम लाने वाले, जो नज़े पे मुस्तफा का है जमाल दीद पाले, है मलाइका के सब के सब में पर जिने के बोल वाले यही बोल सिद्धा वाले, चमने जहां के ताले सब में छाने डाले, तेरे पाए का न पाया ले, एक बार कह दे सुभान अल्लाह, सुन ले कि तेरे सैयद दिलवरा है तेरी चाहतों की
मंजिल है मताए सरवर बखुदा तुझे बिहास यही कह रहे तेरे का पता चला मुश्किल दर रोज़ा के मुकाबिल दर रोज़ा के मुकाबिल ओ हमें नजर तो आया जन्नत में सिर्फ साहब ईमान जाएंगे। अरे भाई आपकी बात हो रही है इतनी खामोशी से सुभान अल्लाह। अब मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि जो साहब ईमान है वही जन्नत में जाएंगे, उसके बाद भी ये खामोशी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, फारसी और अरबी में बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा कि कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में एक बार सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा, ताकि हमको लगे कि हम कब्रिस्तान में नहीं हिंदुस्तान की आबादी में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो एहसास दिलाइएगा हमको। और बातें हैं बहुत सारी, मैं करूंगा इंशाल्लाह आपसे। आलम पना और सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहबे ईमान जाएंगे। पीछे वाले कब बोलेंगे? घर जाने के बाद, घर जाने के बाद बोलिएगा। आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहब ईमान जाएंगे। पीछे वाले की आवाज आ जाए तो मैं भी जाके पीछे बैठ जाऊंगा। आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहब ईमान जाएंगे। मैं बैठ जाऊं क्या? अच्छा नहीं बोल रहे क्या? अजीब मामला है यार, ये लोग रौनक वैशाली साहब है, जौहर वैशाली साहब है, हजरत अल्लामा हुसैन रजा तेजी साहब है, ये हमारे ज़ईफ हजरत बैठे हुए हैं, और हुजूर उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी गयासुद्दीन साहब राही बैठे हुए हैं, ये तमाम तर हजरात बैठे हुए हैं। अब हम उनका लिहाज करते हुए हम चाहते हैं कि हम कम बोलें, मगर उसके बाद भी आप बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। बुलंद आवाज से एक बात और सुनिए, समझिए। मैंने कैद लगाया कि तीन शेर का मतलब तीन शेर, उसके बाद भी कुछ शायर तो समझते हैं और कुछ समझते ही नहीं है। एक बात आपसे बता दूं कि हर बात को हर आदमी नहीं समझता है। फऔदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وهي رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाई का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जाने ईमा मददे नातिके कुरान मददे, दस्त यजदा मददे सैयदो सुल्तान मददे, गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बे बला उस्तादा कश्ती, ज़ईफा ने शिकस्ता राह तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मन्ना अलैना इज़बासा मुहम्मदा, أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا،
صلو علیہ دائمًا صلو علیہ سرمدًا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پڑھ کر جو محفل کی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ذکر خدا نہ کرے اور ایسی زبان کسی مومن کی ہو ہی نہیں سکتی جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ایسی زبان کسی مومن کی ہو ہی نہیں سکتی جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور تیرا ذکر کرتے ہیں یہی احسان ہے مولا تیرا ذکر کرتے ہیں یہی احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا اور جنت کے بدلے میں مدینے کو چھوڑ دیں یہ سودا نہیں کر سکتے ہمیں نقصان ہے مولا اور جنت کے بدلے میں مدینے کو چھوڑ دیں یہ سودا نہیں کر سکتے ہمیں نقصان ہے مولا اور ہم نبی کی تعریف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑے پنڈتوں نے بڑے بڑے برہمن شاعروں نے بھی ہمارے نبی کی تعریف یوں فرمائی اور یوں کی ہے کہ روزے پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ایک بہت بڑے پنڈت شاعر ڈاکٹر رام شنکر دت نے کہا تھا کہ روزے پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم غریبوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے اور کیسے مسلم ہو جو آقا کو بشر کہتے ہو ارے ہم تو ہندو ہیں لیکن ہمیں حیا آتی ہے کیسے مسلم ہو جو آقا کو بشر کہتے ہو ہم تو ہندو ہیں ہمیں حیا آتی ہے اور ایک بہت بڑے شاعر ڈاکٹر سومنا سوم نے کہا تھا میں شاعر ہوں کوئی سیاسی نہیں ہوں آواز آئے تو بولیے گا آ رہی آواز تو بولیے نا جی محترم حضرات دیکھیے ممبر نور پر مقدس علماء کرام تشریف فرما ہے میں فردن فردن ایک بعد دیگر سب کی تعارف نہیں کرا سکتا بس اتنا کہوں گا کہ میں کن کن کو کن کن کا نام لوں اور کیا وہ شعر کن کن کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہیں وہی آفتاب ہے میرے پاس تمہیدی گفتگو کرنے کا وقت بالکل کم ہے ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ زمینی گفتگو کروں میں دیہاتی زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اگر یہاں فارسی کے الفاظ بولوں فارسی کے گردان بولوں تو کیا سمجھیں گے آپ میں اگر یہاں فارسی کے الفاظ سنا دوں تو آپ نہیں سمجھیں گے بہت بڑا المیہ ہے سماج کا کہ یہ عرس کے موقع پر کچھ لوگ آئے ہیں میلہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں گول گپا کھانے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں بری اور کچری کھانے کے لیے اور کچھ نوجوان آئے ہیں سیٹنگ کرنے کے لیے جو میلہ دیکھنے آئے وہ دیکھ کے جا رہے ہیں جو گول گپا کھانے آئے وہ کھا کے جا رہے ہیں جو آئس کریم کھانے آئے تھے وہ کھا کے جا رہے ہیں جو ملاقات کرنے آئے تھے وہ بھی جا رہے ہیں لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا نہ گول گپا کی خوشی میں نہ گول گپا کھانے کے لیے نہ کچری اور بری کھانے کے لیے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ والے کی محبت میں بیٹھے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ والے کی محبت میں بیٹھے ہیں دعا ہے کہ مولا کمیٹی والوں نے یہ محنت کے ساتھ بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ محفل سجانے کا کام کیا ہے ان کا سجانا آپ کا آنا علماء کا بولنا اور شعرا کا شعر سنانا اللہ سب کو قبول فرمائے میرے محترم دوستو ہم نبی کی تعریف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں دیکھیں ہمارے جوہر بھائی ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس صرف 20 منٹ کا وقت ہے تقریر کے لحاظ سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جو کچھ سوچ کیا ہوں آپ کو سنا دوں میں اگر یہاں لمبی چوڑی باتیں کروں تو بہت ساری باتیں ہیں نا یہ نوجوان سمجھتے نہیں میں اگر یہاں گفت گفتن گفتی گفتے گفتم گفتم پڑھ دوں تو آپ نہیں سمجھیں گے میں اگر پرورد پروردن پروردی پروردے پروردم پروردے پڑھ دوں تو آپ نہیں سمجھیں گے میں اگر یہاں رحمان رب اللہ کرتار پروردگار پالنہار نبی رسول پیغمبر جان چار یار کو پہلے مان واحد اکسانی دو جا بدھ خانہ مندب پرست پوجا میں اگر یہ ساری باتیں کروں تو آپ نہیں سمجھیں گے ہم نبی کی تعریف کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت بڑے شاعر ڈاکٹر سومنا سوم نے کہا تھا میں شاعر ہوں کوئی سیاسی نہیں ہوں
सना खाने अहमद हूँ, कोई बागी नहीं हूँ। भला सौ दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाँ भी नहीं हूँ। भला सौ दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाँ भी नहीं हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, फजलो करम है कि आप तमामी हजरात यहाँ महफिल में आके बैठे हैं। कौन आपके लिए दुआ करता है? जी अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे मकान में रहो, तो आपका अपना दुश्मन बन जाता है, आपका भाई आपका दुश्मन बन जाता है, आपका पड़ोसी वाला आपका दुश्मन बन जाता है। लोग तो ये चाहते हैं तुम तबाह हो, बर्बाद हो जाओ। लोग तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टियां ये बर्बाद हो जाए। लोग तो ये चाहते हैं कि तुम चलते चलते ही मर जाओ। लोग तो ये चाहते हैं कि तुम नेस्त नाबूद हो जाओ। मैंने तो यहाँ तक देखा है, आपकी तरक्की देखकर, आपकी जमीनों जायदाद को देखकर, कुछ लोग तो इतने पीछे पड़ जाते हैं कि जादू टोना करवाते भी हैं। किसी आलिमों के यहाँ, पंडितों के यहाँ, किसी भगत के यहाँ जाकर के आपको मिटाने की साजिशें भी करते हैं। कौन आपके लिए दुआ करता है? जी अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे मकान में रहो, कोई आपके लिए दुआ नहीं करता। आपका भाई आपका दुश्मन बन जाता है, आपका पड़ोसी वाला आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन हाँ, इसी धरती के ऊपर, इसी जमीन के ऊपर एक जमात है जो आपके लिए दुआएं करती नजर आती है, एक जमात है जो आपके लिए दुआएं करती नजर आती है। वो जमात किसकी है? इन्हीं उलमा की जमात है, इन्हीं आइमा की जमात है, जहाँ भाई ने ठुकराया था, जहाँ पड़ोसी वाले ने ठुकराया था, जहाँ दुनिया आपको मिटाने की साजिशें कर रही थी। इस पुरफतन वक्त में, उस खराब के भयानक दौर में, उस मुसीबत के आलम में, अगर कोई है आपके हक में दुआ करने वाला, यही आइमा है, यही उलमाए किराम है, यही इमाम है जो आपकी तरक्की के लिए दुआएं करते नजर आते हैं। लिहाजा इनके करीब हो जाएंगे ना, तो दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर हो जाएगी, सवर जाएगी। मेरे पास तमहीदी गुफ्तगू करने का वक्त है नहीं, बस बड़ी तेजी के साथ अल्लाहू अकबर। एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में यहाँ आए हैं ना, अल्लाह वाले की पहचान होती है, बिल्कुल कमजोर ज़ईफ़ी के आलम में होते हैं, दीन में लोगों में मोहब्बत का, मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। जी खुद तो भूखे रहते हैं, लोगों को खिलाने का काम करते हैं। अल्लाह वालों की पहचान होती है कि टूटे दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। खुद तो उनके बाल बच्चे भूखे रहने पर मजबूर होते हैं, लेकिन वो अल्लाह वाले हमेशा 24 घंटा कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। दीन में है तो लोगों की खिदमत में, रात में है तो जिक्र इलाही में, पूरी दुनिया आराम की नींद सोती है ना, लेकिन ये अल्लाह वाले सोते नहीं हैं। आपकी भलाई के खातिर, आपको राह खुदा में लाने के खातिर, ये अल्लाह वाले हमा वक्त आपके लिए दुआएं करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारा तरीका है ना, और बहुत बड़ा अलमिया है समाज का। अगर कोई बंदा समाज में तौबा करके रब की बारगाह में आता है ना, अगर दाढ़ी टोपी पहन, दाढ़ी रखकर टोपी पहनकर, कुर्ता पाजामा पहनकर मस्जिद में जाता है ना, तो समाज वाले ताना मारते हैं, पड़ोसी वाले ताना मारते हैं कि 72 चूहे खा के बिल्ली चले हज को, ये ताना ना मारो जी, क्या पता वो अल्लाह वाले तुम्हारे हक के लिए दुआएं करते नजर आते हो। यकीन मानो, जिस इलाके में अल्लाह के वली ना हो ना, वो इलाका तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। जहां अल्लाह के नेक बंदे ना हो ना, वो इलाका तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, जहां आप बैठे हैं ये बैठना आपका भेजा होगा? नहीं नहीं जी, जब कयामत आएगी तो जमीन फट जाएगी, जब कयामत आएगी तो जमीन तांबे की हो जाएगी, जब कयामत आएगी तो आसमान बिल्कुल करीब में और सूरज करीब में हो जाएगा, जब कयामत आएगी तो जमीन फटकर तांबे की हो जाएगी। अब बताओ, जहां जिक्र इलाही हो, जहां कुरान की तिलावत हो, जहां नमाजें पढ़ी जाए, जिस जगह पर अल्लाह के वली लेटे हो, इनका क्या होगा? कभी पूछो ना अपने इमामों से, जब कयामत आएगी तो जमीन फट जाएगी, जब कयामत आएगी तो जमीन तांबे की हो जाएगी। अब बताओ उन जगह का क्या होगा जहां अल्लाह के वली लेटे हैं? उन जगहों का क्या होगा जहां नमाजें पढ़ी जाती है? उन जगहों का क्या होगा जहां जिक्र अज़कार की महफिलें सजाई जाती है? तो पूछो इन उलमा से, ये बताएंगे, जब कयामत करीब होगी, अल्लाह अकबर, जब जमीन पर जलजले आएंगे, तो याद रखना, जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाता है, जिस जगह पर अल्लाह वाले लेटे होते हैं, जिस जगह पर नमाजें पढ़ी जाती हैं, कयामत आने से पहले रब्बे कदीर इन जगहों को उठाकर जन्नत की जीनत बना देगा। जिस जगह पर कुरान की तिलावत हो, जिस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाए, जिन जगहों पर नमाजें पढ़ी जाए, कयामत आने से पहले इन जगहों को उठाकर जन्नत की जीनत बना दी जाएगी। अल्लाह अकबर। और याद रखे जी, आप इस महफिल में बैठे हैं ना, यकीन मानो, अब दिल छोटा ना करो, ये वक्त है ना, ये बहुत ये
ये वक्त है, ये वक्त इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बंदा दिन भर में जो कुछ भी करता है। आज लोग अपनी फैक्ट्रियों में कारखानों में सीसी कैमरा लगाते हैं ना जी, ताकि चोर आए तो चोर की शनाख्त कर ले हम, डकैत आए तो उसको पहचान ले। अल्लाह ने आपके आपके कांधों पर सीसी कैमरे को लगा दिया है, एक कांधे पर एक फरिश्ता है, दूसरे कांधे पर दूसरा फरिश्ता है। दिन भर आप क्या करते हैं ना, ये सारे फरिश्ते नोट करते हैं। आपने अच्छा काम किया तो नेकी लिखा, आपने बुरा काम किया तो गुनाह लिखा। ये जो वक्त है, ये वक्त है आमाल पेश होने का। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ते दिन भर जो कुछ आप करते हैं ना जी, वो फरिश्ते ये सारी चीजों को रब की बारगाह में पेश करते हैं। कुर्बान जाओ अपनी मुकद्दर पर। ऐ नया टोला के लोगों, दिल छोटा ना करो आप। मैं तो कमेटी वाले को मुबारकबाद देता हूँ। आजकल के नौजवान का कैरेक्टर तो ये है, वो तो पूरा दिन या तो शराब में गुजार देता है, या गुटखा खाते खाते मर जाता है, या तो नशा करते करते मर जाता है, या तो अपनी निगाहों को गंदी करते करते बंदा चला जाता है। अल्लाह अकबर। मुबारकबाद है यहाँ के नौजवानों को, मुबारकबाद है यहाँ के नौजवानों के लिए कि इस दौर में भी, जिस दौर में कदम चलाना भी मुश्किल हो, जिस दौर में कदम बढ़ाना मुश्किल हो, इतना बड़ा प्रोग्राम करके, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके, ये नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो जीते हैं तो अल्लाह वाले के लिए, जो जीते हैं तो अल्लाह के नेक बंदों के लिए। मुबारकबाद है यहाँ के नौजवानों को। मैं तो कहता हूँ लोगों, कमेटी वालों, आपको आके यहाँ बैठना चाहिए ना जी। लोगों को आपने बुलाया, इतने बड़े बड़े खुतबा शोरा नकबा को आपने बुलाया, आपका ये अखलाकी फरीजा बनता है कि यहाँ आप आके बैठो। मेरे मोहतरम दोस्तों, थोड़ा माहौल बनाइए आप। मैं बिल्कुल इफ्तिताही तकरीर करने के लिए हाजिर आया हूँ। मेरी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी नहीं, क्योंकि आपको चतुर्वेदी महान की बातें समाप्त करनी है। एक बहुत बड़े खतीब हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी बातें आपको समाप्त करनी। बस मुकद्दमतुल जैश की जैश आप मुझे समझ लें आप। मैं दो चार बातें सुने मेरे भाई। अल्लाह अकबर। आप यहाँ बैठे हैं ना, ये वक्त है, इस वक्त में अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आपके आमाल को रब कदीर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। तो मुकद्दर पे कुर्बान जाए आप कि अभी इस वक्त हमारा और आपका आमाल पेश होता होगा, तो हम इस हाल में बैठे हैं कि रब कदीर ही को याद कर रहे हैं, हम इस हाल में बैठे हैं कि नबी ही को याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह वाले की पहचान होती है, दिन गुजारते हैं लोगों की खिदमत में, रात गुजारते हैं इबादत इलाही में। बस एक वाकया सुनाता हूँ, उसी तनाजुर में मेरी कुछ बातें हो जाएगी। एक अल्लाह वाले थे, कमजोर थे जी, अल्लाह अकबर, जिस्म में ताकत नहीं थी, दिन भर नमाज ही नमाज पढ़ते थे, यादें इलाही में गुजारते थे। रात होती थी, पूरी दुनिया सोती थी, मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाते थे। बीबी को पैसा चाहिए ना जी, बीबी को कपड़ा चाहिए ना, बच्चों को अनाज चाहिए ना, बच्चों को भोजन चाहिए ना। बीबी कहती है, मेरे शोहर, दिन भर सजदा करते रहते हो, दिन भर लोगों को जाकर राह खुदा की दावत देते रहते हो, रात होती है, पूरी दुनिया सोती है, तुम तो मुसल्ला बिछाकर नमाज में लग जाते हो, दिन भर गुजार देते हो लोगों की खिदमत में, रात में गुजार देते हो इबादत इलाही में। खाना कौन लाएगा, राशन कौन लाएगा, पैसे कौन लाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, मुझे तो राशन चाहिए ना, मुझे तो कपड़े चाहिए ना, बच्चों को भोजन चाहिए ना, ये कौन लेकर के आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त, पूछो ना इन बूढ़ों से, जिन्होंने मेहनत करके, मशक्कत करके, कलकत्ता बंबई में जाकर रुसवाई की जिंदगी जी करके बच्चों की जिंदगी को बनाया, बेटा तुम्हारी मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये बाप बंबई कलकत्ता जाकर के जलीली रुसवाई को सहा है, इन्होंने मशक्कत और परेशानी को झेला है तुम्हें बनाने के खातिर। अगर दिन भर ड्यूटी करने से पेट नहीं भरा ना, तो नाइट ड्यूटी करता है ये नौजवान किसके खातिर, बच्चों की जिंदगी बनाने के खातिर, बेटों के भविष्य को उज्जवल करने के खातिर। ये अल्लाह वाला था, दिन भर लोगों में मोहब्बत का पैगाम बांटता था, राहे खुदा की तरफ लोगों को बुलाता था। जब रात होती थी, रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया तो सोती थी ना, लेकिन ये अल्लाह वाला मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाता था। एक दिन बीबी आई, मुसल्ला उठा देती है, ऐ शोहर निकलिए काम करने के लिए, निकलिए जाइए मजदूरी करके लाइए, हमें राशन चाहिए, खाना चाहिए, बच्चे भूख से बिलखते हैं, इनके पेट में अनाज चाहिए, ये सजदा तुझे राशन नहीं देगा, ये इबादतें राशन लेके नहीं आएगी, हमें पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, बच्चों को राशन चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाला कमजोर था जी, अल्लाह वालों के जिस्म में ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, शहर का ये मामला है ना, जो बाहर जाता है उनसे पूछो, सुबह के आलम में, सुबह के वक्त में लोग टिफिन लेकर रोड में खड़े रहते हैं, मजदूर खड़े रहते हैं कि मालिक आएगा काम करवाने वाला, हमें लेकर के जाएगा। रोड सड़क के किनारे लोग मजदूर खड़े रहते हैं,
हैं, टिफिन लेकर हथियार लेकर वो मजदूर सारे खड़े रहते हैं। क्यों? काम करने वाले आएंगे, हमें लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह वाला फजर की नमाज पढ़ ही रहा था, बीबी आई मुसल्ला उठा देती है, उठाना था और चीख पुकार कर कर कड़कती आवाज में, कड़क आवाज में कहती है, शोहर ये मुसल्ला समेटिए, जाइए मजदूरी करके लाइए, हमें राशन चाहिए, कई दिन हो गए बच्चों ने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह वाला रोड के किनारे जाकर के खड़ा रहा, मालिक आए काम करवाने वाले, मालिक आए, बड़े बड़े ताकतवर मजदूर को लेकर के चले गए। ये कमजोर था, जिस्म में ताकत नहीं थी, लागारी के आलम में, ज़ईफी के आलम में है, कोई कोई मालिक इनकी तरफ निगाह उठाना भी पसंद नहीं किया। अल्लाह अकबर। आधे दिन तक खड़ा रहा, काम करवाने वाले आए, मजदूरों को लेकर के चले गए, ये अल्लाह वाला खड़ा रहा, किसी ने उनकी तरफ निगाह ना डाली। अल्लाह अकबर। जब आधा दिन गुजराना, ये अल्लाह वाला जंगल में पहुंच गया, जंगल में पहुंचने के बाद अपने सर को सजदे में झुका दिया और अर्ज करने लगा, मौला मेरी बीबी ने मुसल्ला उठा दिया था, मौला मैं तो आधे दिन तक रोड के किनारे जाकर के खड़ा रहा, लेकिन कोई मालिक मुझे काम पर ले जाना पसंद न किया। मौला शाम में जाऊंगा, बीबी को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मौला शाम में जाऊंगा, बच्चे मेरे इंतजार में होंगे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाला पूरा दिन वहां गिरियागुजारी करने लगा, सजदे पे सजदा करने लगा, नमाज पर नमाज पढ़ने लगा। जब सूरज गुरूब हो गया, अल्लाह अकबर, हल्के हल्के कदमों से, धीमे धीमे कदमों से घर के तरफ बढ़ा। बीबी इंतजार कर रही थी कि शोहर कमा के मजदूरी लाएगा, राशन लाएगा, आटे लाएगा, दाल लेकर के आएगा, खाना बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, बच्चों को भी खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे पर पहुंचाना, बीबी ने खाली हाथ देखा, कड़कती आवाज में कहा कि कमा के लाए, मजदूरी लाए, राशन लाए, दाल चावल आटा लाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले कहने लगे, बीबी फिक्र मत करो, मैं जिस मालिक की खिदमत करके आया हूँ ना, जिस मालिक की मजदूरी करके आया हूँ ना, वो इतना देता है, इतना देता है कि तू संभाल नहीं पाएगी, वो इतना देता है, इतना देता है तू संभाल नहीं पाएगी, मेरे मालिक ने किसी और दिन देने का वादा किया है। ए बीबी सबर कर, पानी पी के तू भी रात गुजार ले, बच्चों को भी पानी पिला दे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बीबी तो पानी पी के सो गई, बच्चे पानी पी के सो गए। ये अल्लाह वाला मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में सजदारेज हो जाता है, अर्ज करता है, मौला आज तो बीबी को बहाना बना दिया, बच्चे मेरे पानी पे रात सो गए, पानी पी के सो गए, बीबी भी पानी पी के सो गई, मौला अल्लाह अकबर। पूरी रात, पूरी रात ये अल्लाह वाला रब की बारगाह में गिरिया जारी करने लगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, फजर की अजान हुई, वो अल्लाह वाला नमाज के लिए खड़ा हुआ, नमाज अदा करने के बाद बीबी फिर सामने खड़ी है और कहती है, शोहर आज जल्दी जाइए, जाकर रोड के किनारे खड़े रहिए, मालिक आएंगे, वहां जाएंगे आप, मजदूरी करके लाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल मुख्तसर शॉर्टकट में सुनिए आप, वो अल्लाह वाला रोड के किनारे जाकर के खड़ा रहा। उस दिन भी लोग आए, मालिक आए काम करवाने वाले, जो तगड़े थे, ताकतवर मजदूर थे, लेकर के चले गए। ये कमजोर, ये अल्लाह वाला, इनकी तरफ किसी मालिक ने निगाह उठाना भी पसंद नहीं किया। आधा दिन गुजराना, इंतजार करता रहा, आधा दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन उस दिन भी किसी मालिक ने अल्लाह वाले की तरफ निगाह उठाना पसंद नहीं किया, क्योंकि कमजोर थे ना जी, लागर थे ना, ज़ईफी के आलम में। अल्लाह अकबर। जब आधा दिन गुजरा, फिर जंगल पहुंचते हैं, सर को सजदे में रखते हैं, अर्ज करते हैं, मौला आज दूसरा दिन है, मौला कल तुम्हें बहाना बनाया था कि मेरा मालिक इतना देता है, इतना देता है, ऐ बीबी तू संभाल नहीं पाएगी, मौला आज दूसरा दिन है, मैं तो खड़ा रहा रोड के किनारे, लेकिन मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मैं तो लागर इंसान हूँ, मौला मालिक तो आए थे, ताकतवर मजदूर को लेकर के चले गए, मेरे तरफ तो किसी ने निगाह उठाना भी पसंद नहीं किया, आज बीबी को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवानों दिल की तख्ती पर इन जुमलों को नोट कर लो, कभी बाप की मोहब्बत को पैर के तरह पामाल न करना, पैर के नीचे पामाल न करना, कभी बाप की मोहब्बत को पीठ के पीछे न करना जी, क्योंकि इन्होंने अपनी जवानी की कुर्बानी दे करके, अपनी ख्वाहिश नफ्सानी को मिटा करके तुम्हारी जिंदगी को बनाया, मकान बनाया तेरे लिए, जमीनें खरीदी तेरे लिए, दुकान बनाया तेरे लिए, लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है समाज का जी, बिल्डिंग अच्छी, मकान अच्छा, जिसने मेहनत की, मशक्कत की, जिसने मकान बनाए, दुकान बनाए, मैं यहाँ तक देखता हूँ कि वो बूढ़ा बेचारा दरवाजे पर झोपड़ी पे रहने पे मजबूर है, बेटा बिल्डिंग में है, बीबी बेटे की बीबी भी बिल्डिंग में सो रही है, लेकिन वो बाप, वो बूढ़ा जिसने मकान बनाए थे, जिसने मेहनत और मशक्कत करके
खून पसीने को चला करके जिस बेटे के खातिर मकान बनवाया था, वो बाप बेचारा झोपड़ी पे रहने पे मजबूर है, दरवाजे पर एक दरवानी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन नौजवान, अल्लाह हू अकबर, क्या हो गया तुझे, होश के नाखून लो, इस पर बात करो तो मेरी बात बढ़ जाएगी। अल्लाह वाला वहाँ आधा दिन गुजराना जंगल में पहुंच जाता है, वहां पहुंचने के बाद सजदा रेज हो गया, मौला आज दूसरा दिन है, आज बीबी को क्या जवाब दूंगा, आज बीबी पूछेगी मजदूरी लेकर के आए तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह हू अकबर। इसी आलम में दिन गुजरता गया, जब रात हो गई, सूरज गुरूब हो गया, ये अल्लाह वाला धीमे धीमे कदमों से घर के तरफ पहुंचा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बीबी तो इंतजार में थी ना, बीबी तो इसी ख्याल में थी ना कि आज मेरा शोहर आएगा मजदूरी लेकर के आएगा, आज मेरा शोहर आएगा पैसे लेकर के आएगा, आज मेरा शोहर आएगा अनाज लेके आएगा, आज खाना बनाऊंगी बच्चों को भी खिलाऊंगी। अल्लाह हू अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन जब शोहर घर पहुंचा, बीबी ने खाली हाथ देखा, करकती हुई आवाज में कहती है, ए शोहर, क्या मजदूरी लेकर के आए, क्या राशन लेकर के आए, क्या अनाज लेकर के आए। शोहर ने कहा, क्या कुछ हो गया क्या भाई, बारिश हो गई। सुभान अल्लाह, ये रहमत की बारिश है, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल ना घबराएं आप, भीग भी जाएंगे तो ये दिन आपको याद रहेगा, ये रातें याद रहेगी, बिल्कुल ना घबराएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब रात हुई ना, सूरज गुरूब हुआ, वो शोहर पहुंचा, बीबी ने देखा खाली हाथ आए हैं, ना राशन है ना मजदूरी है। बीबी करकती हुई आवाज में कहती है, ए मेरे शोहर इनामदार, क्या राशन लेके आए, क्या मजदूरी लेकर के आए, क्या अनाज लेकर के आए। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह वाला कहने लगे, बीबी मेरे मालिक ने किसी और दिन देने का वादा किया है, तुम बिल्कुल ना घबरा, मैं जिसकी मजदूरी करता हूँ ना, वो इतना देता है कि लोग संभाल नहीं पाते हैं, वो इतना देता है कि लोग उसे संभाल नहीं पाते हैं। ऐ बीबी, वो मालिक इतना नवाजता है, जिस दिन वो नवाज दिया तुम संभाल नहीं पाओगी। अल्लाह हू अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह वाले पानी पिए, बीबी भी पानी पीती है, बच्चे भी पानी पी के सो जाते हैं, या अल्लाह वाले मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में सजदारेज हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला आज दूसरा दिन है, बीमारों की झुरमुट में। और हालात के पेशे नजर एक शेर आज़ाद करता हूँ, समाज फरमाले पेशे कह दे, सुभान अल्लाह, कि मसीहा जैसे आ जाता है बीमारों की झुरमुट में, अजब दौरे जिहालत है, अजब ये दौर है, अजब दौरे जिहालत है, अजब ये दौर नफरत है, बड़ी सहमी हुई से हक परस्तों की जमात है, बड़ी सहमी हक परस्तों की जमात है, बड़े साल में गया के और बड़े साल में हुकूमत है, उसे बुने अली की आज भी हमको जरूरत है, घिरा है आज भी इस्लाम खोखारों के झुरमुट में, घिरा है आज भी पेश करता हूँ, समाप्त फरमाए कि रोज़े
सैयदे अबरार बड़ा प्यारा है, ऐ सैयदे अबरार बड़ा प्यारा है, रोज़े सैयदे अबरार बड़ा प्यारा है, रोज़े रोज़े सैयदे अबरारे बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दरबार बार बड़ा प्यारा है। अब बहुत तेजी के साथ एक शेर आ रहा है, बहुत खूबसूरत शेर हाजिर करता हूं। कि जिनके सदते में, जिनके सदते में बनाई है खुदा ने दुनिया, जिनके सदते में बनाई है खुदा ने दुनिया, और जिनके सदके जिनके सदके में बनाई है खुदा ने दुनिया, तो वो मुख्तार बड़ा प्यारा है, दोनों आलम का वो मुख्तार बड़ा प्यारा है। मक्ता हाजिर करता हूँ पेश की, धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। कि दोनों आलम का वो मुख्तार बड़ा प्यारा है, कि ऐ शबी नाते उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं, कि ऐ शबी ना, ऐ शबी ना ते नबी आज जो तूने पढ़ी, ऐ कमर ना, ऐ कमर ना ते नबी आज जो तूने बड़े, ऐ कमर ना, ऐ शबी ना ते नबी आज जो तूने बड़े, शेर एक एक शेर तेरा यार बड़ा प्यारा है, एक एक शेर तेरा यार बड़ा प्यारा है, रोज़े सैयदे अबरार बड़ा प्यारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، درود
درود پاک پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مرضی تھی بارش ہو گئی ظاہر بات ہے بڑی محنتوں کے بعد جل سے سجتے ہیں نہ جانے کتنی راتوں کی نیت قربان کرنی پڑتی ہے ان سے پوچھئے جو جلسوں کی تیاریاں کرتے ہیں لیکن بھائی صدام سے اور گلشن رضا کمیٹی کے ان افراد سے کہوں گا جن لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد میں محنت کی ہے کہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کر لے تو یہ بہت بڑی معراج ہے آپ کی زندگی کے لیے بارش ہو گئی ایک طرف آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا جلسہ خراب ہو گیا لوگ چلے گئے لیکن سچائی یہ ہے کہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے اس رحمت والے مہینے کی آمد سے پہلے رحمت کی بارش ہے یہ اور اس لیے بھی جو لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بہت زیادہ گرمی پڑے گی روزہ رکھیں گے کیسے اللہ نے موسم کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ ابھی تک جس کا ارادہ نہیں ہے وہ ابھی سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے ایک بات غور کر رہے ہیں بارش تو ہوئی سامعین بہت حد تک چلے گئے کرسیاں خالی ہیں لیکن ہمارے علماء شورا جو اسٹیج پر موجود رہتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں اور پورا اسٹیج بھرا ہے اگر آدمی چاہے تو اس میں بھی پروگرام ہو سکتا ہے محفل ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے آئے ہیں ایک سے ایک ہیرے جواہر کو دعوت دے کر صدام صاحب نے بلایا تھا علامہ مفتی مستقیم صاحب کی صدارت میں یہ جلسہ آگے چل رہا ہے پڑھ رہا ہے شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب چترویدی آپ دیکھ رہے ہیں کلکتہ کے بہت بڑے شاعر شاعر اسلام حضرت آفتاب رہبر کلکتوی ان کو بھی سنایا اور ان سے پہلے آپ نے بہت سارے لوگوں کو سماعت کیا قیصر ویشالوی صاحب ہیں تقریریں بھی غالباً قاری جہانگیر صاحب فیضی کی تقریر سنی آپ نے اور بھی تقریریں سنی ہوں گی لیکن ہمارے اسٹیج پر ایک ایسا شاعر بھی ہے جو عمر کے اعتبار سے بوڑھا تو ہے لیکن حقیقت میں جوان ہے وہ
ऐसा शायर जिनकी शायरी को सुनकर बहुत सारे लोग शायर हो गए। आज भी अगर तबीयत से पढ़ देना तो फिर अच्छे अच्छों की जमानत जब्त हो जाए। शायर इस्लाम हज़रते नाज़िश मुज़फ़्फ़रपुरी, अब तो पीर भी हो गए, अल्लाह ताला सलामत रखे। इनकी मोहब्बत है कि हम लोग आए। मेरे हाल हम लोगों ने सोचा है कि हाजिरी हो जाए थोड़ी थोड़ी देर और फिर ये जलसा सलातो सलाम पर खत्म हो। नाते पाक का एक शेर मैं सुनाता हूँ। मुफ्ती साहब बैठे हैं, सारे उलमा बैठे हैं, मत सोचिए कि चंद लोग हम बैठे हैं, काफी है इतना ही। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। लाइए ना गर्मी, लाइए गर्मी, लाइए थोड़ी सी गर्मी ले आइए। जो चले गए उनको जाने दीजिए, मजबूरी थी उनकी। आप हैं सद्दाम भाई, मुंह मत सुखाइए, मुस्कुराते रहिए, हौसला बुलंद रखिए। और ये सोचिए कि अल्लाह तौफीक दे तो फिर आगे भी हम अल्लाह के वली का उर्स ऐसे ही नहीं। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है, आमदे सरकार से पहले अल्लाह ने आसमान का शमैना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, चांद और सूरज की लाइट लगाई, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमाया। ये हुस्न, ये जमाल, ये खूबसूरती, ये सरकार की आमद का सदका है। दुनिया सजी तब मेरे आका तशरीफ लाए हैं। समझ में, कोई पूछे कि दुनिया सजाई क्यों गई, जवाब सुने कि दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, जरूर आमदे हो रही है। और नमाज अली की कजा हो रही है। बोले पहुंचे आप गोद अली का, सर मुस्तफा का मकाम है सहबा, सूरज डूबने वाला है, असर की नमाज कजा होने का खतरा है। कभी शेरे खुदा रुखे मुस्तफा देखते, कभी डूबता हुआ सूरज देखते, सोचते कि अगर जगाता हूं तो मोहब्बत जाती है, अगर नहीं जगाता हूं तो नमाज जाती है। करूं तो क्या करूं, इश्क ने फैसला किया, डूबता है सूरज डूब जाने दे, नमाज जाती है जाने दे, डूब गया सूरज।
कजा हो गई नमाज असर मौला अली की। शेर देखें, नमाज अली की कजा हो रही है, नमाज अली की कजा हो रही है, नमाज महबत अदा हो रही है, नमाज महबत अदा हो रही है, नमाज महबत अदा हो रही है। से पहले काबा में 360 बुत थे, कुफार और मुशरिकीन जिसकी पूजा करते थे, लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए तो बुतों ने अपने मानने वालों से क्या कहा। बिल्कुल इत्मीनान से रहे। सनम के बल गिर के काबे में बोले, मौलाना सरवर साहब, सनम के बल गिर के काबे में बोले, सनम के बल काबे में बोले, हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, हटो आमदे मुस्तफा हो रही। लोगों ने मदीना देखा, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग, जो अभी तक ना देख सके, मेरी दुआ है कि अल्लाह हर सुन्नी जन्नती मुसलमान को मदीना दिखला दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की मीठी खुदा तुझको रखे, मदीने की मीठी खुदा तुझको रखे, मरीजों को हासिल शिफा हो रही है, मरीजों को हासिल शिफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरात, आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हालात इतने खराब हैं कि किसी की पगड़ी देखकर, किसी की ऊंची टोपी देखकर, किसी का लंबा शिमला देखकर, किसी की टेढ़ी लाठी देखकर, किसी के जुब्बा और दस्तार को देखकर,
और किसी के रख रखाव को देखकर बड़ी आसानी के साथ लोग उसे वली मान लेते हैं। जितना पीर है आज के दौर में इस जमीन पर, वली से कम कोई नहीं। एक वक्त की नमाज वली, एक दिन का रोजा वली। शरीयत की पाबंदी दूर दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन अपनी विलायत का वो ढंढोरा पीटता है। बस किसी पीर से मजार की पगड़ी बनवा ले। कुरान पढ़ने आता न नमाज पढ़ने आता, दुआ तक मांगने का तरीका नहीं। दस दस उंगलियों में अंगूठियां हैं और जहां पगड़ी बंध गई नहा धोकर मौलवी के पीछे पड़ जाता है। नहा धोकर मौलवी के पीछे, मैं कहता हूं यार मौलवी से बड़ा तो कोई पीर ही नहीं। मैं कहूंगा अपने उलमा से कि अब आप मोर्चा संभाल लें। इन जाहिल पीरों की जमानत जब्त करने के लिए जरूरी है कि मुस्तफा का नायब मैदान में आए, नबी का वारिस सामने आ। इसलिए कि सही हकदार अगर कोई है तो वही है जिसने मदरसे में 10 साल मदरसे की दाल रोटी खाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन सीखा है, जिसने कुरान और हदीस पढ़ के मुस्तफा की शरीयत को जाना भी है और समझा भी। इतना तो है ना, मौलवी छोटा हो या बड़ा हो उससे बहस नहीं है, तो हमारा वो मकतब में पढ़ाता हो या दारुल उलूम में, वो जामिया में पढ़ाता हो या यूनिवर्सिटी में, अगर वो सही में आलिम है तो वो मुरीदों के टुकड़े पे पलना नहीं जानेगा, वो पसीना बहाकर कमाना जाएगा, वो हाथ फैलाएगा तो दीन के लिए, वो किसी से मांगेगा तो मेहमान रसूल के लिए, वो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा तो मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए। अपने बच्चों के लिए किसी मौलवी को हाथ फैलाते नहीं देखा हो, अपनी बीवी के लिए किसी आलिम को हाथ फैलाते नहीं देखा होगा, अपना पेट पालने के लिए किसी नायबे रसूल को हाथ फैलाते नहीं देखा होगा। मेरा आलिम तो इतना खुददार होता है भूखे मर जाता है, कौन के सामने हाथ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसाले और नारे अहले सुन्नत, कुतुबे हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात है, साबित करो। मुफ्ती साहब क़िबला, अभी कोरोना गया, अभी कोरोना, कोई नहीं जाएगा इनकी तबीयत में दवा, मैं भी सुनूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी कोरोना है, मैं नहीं कहता कि खुदकुशी अच्छी चीज है, हराम है, लेकिन कोई जान अपनी इतनी आसानी से नहीं देता।
बेशुमार दबाव होते हैं उस पर, ज़हन परेशान होता है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो अपनी जान देने की कोशिश करता है। कोरोना में बहुत सारे मस्जिद के इमाम ने, सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें छुपती नहीं छप जाती। मैं नहीं कहता कि उन्होंने सही किया, किया तो गलत, लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है, किया क्यों? इस कौम की बेवफाई की वजह से किया। गलत कह रहा हूं क्या? कोई बाप चाहेगा कि उसकी औलाद भूखी रहे? क्या कोई शौहर चाहेगा कि उसकी बीवी भूख और प्यास से तड़पती रहे? कोई नहीं चाहेगा। हमने बहुत सारी खबरें पढ़ी और सुनी हैं कि इस हालात में वो इमाम जो 24 घंटे अपने महल्ले वालों के साथ रहता है, हर गम में साथ, हर खुशी में साथ, हर लम्हा साथ, हर घड़ी साथ, जब मुसीबत आई, जब परेशानी आई, जब दिक्कत आई, इस कौम ने उस इमाम को छोड़ा, कहीं मस्जिद से बाहर निकाला, कहीं मदरसों की तनख्वाहें रोक ली गई। अब बताओ क्या जिस इमाम ने तुम्हारे साथ हर वक्त भलाई की, जिस इमाम ने अपनी नमाजों में हर वक्त अपनी कौम के लिए दुआएं की, क्या वो कौम चाहती तो अगर 100 घर की बस्ती है तो एक इमाम को नहीं पाल देती? वफादारी तो ये थी कि ये कौम इमाम साहब घबराना मत, आपने हमारा साथ दिया है मुसीबत में, इस कोरोना में हम आपको ही नहीं रखेंगे, आपके बाल बच्चों की भी किफालत करेंगे। वफादारी इसे कहते हैं ना। सरकारी नौकरी वाले तो मस्त है, घर में आराम से बैठे हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, लेकिन खुदकुशी कर लिया है। महाराष्ट्र में काफी साहब मदरसा बंद हो गया, तनख्वाह बंद हो गई, सारी बात है, बच्चों की किफालत का मामला है। और जो मदरसे में पढ़ता है वो इतना नाजुक होता है ना कि फूल से भी नाजुक होता है ज्यादा। काम तो करता नहीं ना, वो दिन रात कुरान पढ़ता है, दिन रात मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, पढ़ता है और फिर पढ़ाता है। अब बताओ वो ईटा कब उठाएगा, वो खेती बाड़ी कब करेगा? काम करने की आदत नहीं, करे तो क्या करे, चिमनी में चला गया बेचारा हाफिज़ कुरान काम करने के लिए। क्यों? बच्चों के पेट का सवाल है, घर वालों की किफालत का सवाल है, चिमनी में गया ईटा उठाने के लिए। मजबूर किसने किया इस कौम में? मजबूर किसने किया इस कौम में? अब कई दिन उठाता हुआ, चंद रोज उठाया हुआ, और ट्रैक्टर पे चलना है, ईटा उठाना है, फिर ईटा नीचे लाना है, कभी तो डिसबैलेंस होगा, कब तो पहली तो परेशानी आएगी। नतीजा यही निकला, हाँ ये हालात बिगड़े, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से गिरा, बेचारा दुनिया से चला गया। अब मैं पूछता हूँ उसके बच्चों की किफालत कौन करेगा? लेकिन आजकल के नाम निहाद पीर, जिसको देखो सूफी बना बैठा हुआ है, फलाना सूफी, फलाना सूफी, फलाना सूफी, फलाना सूफी, सूफी लिखने नहीं आ गया। जी, और आज तक सूफी समझा ही नहीं कि सूफी होता क्या। हो गया सूफी, और आज मुरीद से ज्यादा तो पीर नजर आते, कीड़े मकोड़े की तरह, जिधर देखो पीर। कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान के हर घर में एक मजार, मुल्क के हर घर में एक मजार, रोज चादर चढ़ेगी, रोज उर्स होगा। एक साहब कहने लगे तो आप लोगों का तो बहुत फायदा है ना। हमने कहा परेशानी यह है कि कोई करामत नहीं जानते इन लोग। पीर तो थे गौसे आज़म,
हम पीरों के मुखालिफ नहीं, हमसे बड़ा पीर परस्त कौन होगा, लेकिन जो सच्चे होते हैं हम उन्हें मानते हैं। ये झोला छाप पीरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मौलवी तो किसी की मानता नहीं है, लेकिन जब मौलवी मान लेता है तो कहता है कि मौलवी हर किस नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी। समझ रहे हैं ना, पीर है सरकारे सुल्तानी। आज का पीर भी मतलबी, आज का मुरीद भी मतलबी, इल्ला माशाल्लाह। सबको नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत यही है। एक साहब कहने लगे, हजरत पीर बनने में बहुत फायदा। मैंने कहा कैसे? कहा 365 मुरीद कर लीजिए, काम बन जाएगा। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, नंबर लगाइए। एक एक दिन साल में एक बार नंबर आएगा एक मुरीद का। हाँ? खाना भी मिलेगा, नजराना भी मिलेगा। और आप सोशल मीडिया पे देखिए, ऐसा ऐसा पीर, एक पीर को देखा कि मुरीद और मुरीदा दूध से उसको नहला रहा है। उस बुड्ढे को शर्म नहीं आती क्या? हाँ? गुलाब की पत्तियां हैं उसमें और दूध से। अब बुड्ढा चुपचाप एकदम तगाड़े में बैठा है और ऊपर से मुरीद वो ड्राम कटराम दूध डाल रहा है। इमाम को देने के लिए, इमाम को देने के लिए, समझे ना, एक वक्त की चाय नहीं होती। ये नहीं तौफीक होती कि एक बिस्किट और चाय इमाम को सुबह दे बाद नमाज फज्र। अब पीर को नहलाने के लिए दूध। एक बच्ची छोटी सी ना, 5 लीटर दूध लेके आई इमाम साहब के पास। समझ रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा, खैरियत तो बेटी बता, कि दूध का अम्मी ने भेजा। क्या बात है, आज तक तो 2.5 लीटर 250 ग्राम भी दूध लेके नहीं आई, तो आज 5 लीटर। तो चूंकि बच्चियां तो सच बोलती है ना, तो क्या कहा बच्ची ने, इमाम साहब ऐसा है ना, 5 लीटर दूध में बिल्ली ने मुंह डाल दिया है। यानी बिल्ली मुंह डाल दे तो इमाम साहब को दे आओ 5 लीटर दूध, हम ना खाएंगे। इतना कमजोर समझते हो मौलवी को तो, इतना परेशान हाल समझते हो इमाम को। घर में कोई मर गया ना, तो मरने वाला जिस चादर पे सोता था वो चादर इमाम साहब के पास। जिस लोटे में वो क्या कहते हैं, जिस लोटे से नहाता था या पानी पीता था, चलो इमाम साहब के पास। जिस तकिया पे सोता था, तकिया इमाम साहब के पास। जिस बिस्तर पे सोता था, बिस्तर इमाम साहब के लिए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी मच्छरदानी वगैरह साहब। हम कहते हैं, मैं कहा कि तुम तो फिर जो मोबाइल इस्तेमाल करता था, मोबाइल भी इमाम साहब के पास। जिस गाड़ी पे वो चलता था ना मरने वाला, वो गाड़ी भी दे दो। तो गाड़ी इस्तेमाल करोगे, मोबाइल इस्तेमाल करोगे। जिस घर में वो मरा है वो घर लिख दो इमाम के नाम। क्या कहना है, बहुत तो जिंदाबाद। वो घर इमाम के नाम लिखो। तो जहां पे कपड़ा पहनने में डर लगता है कि मर ना जाए, मरे तो इमाम, मरे तो मौली साहब। बुरा मत मानिए, जुमले सख्त हैं, लेकिन जरा सोचिएगा तो सही। सबसे बड़ा हक आपके इमाम और आपके आलिम का आपके ऊपर है। अगर आपने अपने इमाम या अपने आलिम, अपने मदरसे के उस्ताद को खुश रखा, इतना मान, यकीन मान लो, हमारा आलिम इतना खुददार और बावफा होता है कि तुम्हारा बेटा बिल्डिंगें लेकर भी तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़े ना पढ़े, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तुम इस हाल में मरे कि तुम्हारा इमाम तुमसे खुश था, तुम्हारा आलिम तुमसे खुश था, तुम्हारा मौलवी तुमसे खुश था, तुम्हारा हाफिज तुमसे खुश था। जब तक वो इमाम जिंदा रहेगा, अपनी दुआओं में तुम्हें शामिल करता रहेगा, तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ता रहेगा।
मतलबी है और पीर भी मतलबी है, न पहले वाले मुरीद न पहले वाले पीर। एक पीर थे हजरत महबूब इलाही और एक मुरीद थे हजरत अमीर खुसरो। ठीक है ना, एक बात और सुन लीजिए, सारे उलमा हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज पीर लोग चाह ले ना हमारा समाज सुधर जाए। मौलवी की सुनता कौन है? लोग माँ बाप से ज्यादा पीर साहब, वो सोचता है कि पीर साहब को नजराना दे दिया पहुंच गए जन्नत में। ये पता ही नहीं है कि पीर साहब जाएगा ही जन्नत में कि नहीं जाएगा, ये मालूम नहीं। अगर पीर साहब लोग सोच ले कि समाज को नमाजी बना देना, माहौल को अच्छा कर देना, शादियों में जहेज बंद, डीजे बंद, गाना बंद, नाच बंद, हंगामा बंद, सुन्नत वाली शादी होगी, चेहरे पे मुसलमानों के दाढ़ियां होंगी, कुरान की तिलावत होगी, नाते नबी के नगमे होंगे, दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा। अगर पीर साहब लोग सोच ले अपने अपने मुरीद को संभाल ले, सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन पीर भी बड़ा चालाक है, वो जानता है कि कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए तो एक पीर हमको छोड़ के दूसरे पीर से मुड़ जाएगा, कहेगा ये पीर साहब नमाज पढ़ने के लिए बोलता है, समझे ना, डरता है। पहले पीर का इंतजार मुरीद करते थे, आज मुरीद का इंतजार पीर करता है। ठीक है, तो हजरत अमीर खुसरो जवाब नहीं, हजरत महबूब इलाही पीर ऐसे जवाब सुनेंगे। आप दो चार मिनट टाइम है, मैं वक्त देख रहा हूँ, घबराइए मत, समझ रहे हैं। हाँ, कैसे मुरीद थे हजरत अमीर खुसरो और कैसे पीर, आज हम सरकारें सुन रहे हैं, नारा लगाते हैं क्या पीर थे, आए रहे कलकत्ते में, दुनिया देखे उड़ी, दुनिया देखे सुरगाही में, रहे कलकत्ते में, दुनिया देखे सुरगाही में, ये है पीर जो हर जगह नजर आवे। बात आ गई तो सुन ले, सुनेंगे। एक बार आग लगी सुरगाही में, उस वक्त जाहिरी तौर पर सरकारें सुरगाही कलकत्ता में कायम पजीर थे। ठीक है ना, इतनी भयानक आग लगी कि तहस नहस हो गया पूरा इलाका, समझे ना। बाद में एक गैर मुस्लिम ने इस बात को कहा कि बाबा तो है खानकाह, वो अपनी जबान में बोला जो मैं नकल कर रहा हूं, बाबा तो है खानकाह में, कहां बाबा, बाबा तो कलकत्ता है, खारे तुम झूठ बोल रहे हो, बाबा यही है। कहा कब देखा, कहा जिस दिन आग लगी थी उस दिन मैंने देखे आगी को लोटा में पानी लेके आग बुझाते देखा। आग बुझाते देखा है, ये है पीर। रहे कलकत्ता में, चाहने वालों की मदद कलकत्ता से करें, अपने देखे ना देखे लेकिन बुत का पुजारी देख ले के सुरकाही वाले तो सुरकाही। ये कमाल ऐसे ही नहीं आता, ये मर्तबा ऐसे ही नहीं मिलता, ये मकाम ऐसे ही नहीं मिलता। अरे जिनकी कब्र की मिट्टी शिफा बन जाए, जिनके मजार की खाक दवा बन जाए, उस पीरे कामिल को जमाना सरकारे सुरकाही। सरकारे सुरकाही का जब विसाल हुआ, सरकारे सुरकाही का जब विसाल हुआ, सरकारे सुरकाही का एक मुरीद था कलकत्ता में रहता था, सच्ची बात है कलकत्ता में रहता था, उसके पैर में बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया, समझ रहे, डॉक्टर परेशान, दवा देते देते लेकिन इसका पोड़ा ठीक नहीं हो रहा। जब चहलुम शरीफ का जलसा था सरकारे सुरकाही के 40वां का, ठीक है,
सुना के काफला जा रहा है कलकत्ता से सुरकाही की ओर मुर्शिद के चहलुम के जलसे में। चल तो नहीं सकता था, किसी का सहारा लिया, कहा चलो मुझे भी ले चलो, शायद कि अल्लाह वहां से शफा दे। जरा जोर से बोले, जरा मोहब्बत से बोल दें, शायद वहां से शफा मिल जाए। आ गया सुरकाही, जलसा हुआ, लोग घरों को जाने लगे ना, ये नजरें छुपाकर, अपने आप को छुपाकर सरकारे सुरकाही की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी ले ली, और लेने के बाद वो घर चला गया। खुदा की कसम, किताब उठाएं और पढ़ें, ये तारीख शाहिद है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है ना पानी में भिगोता, उसको मलहम बनाता और अपने जख्म पे लगाता रहा। इधर मिट्टी खत्म होती रही, उधर जख्म खत्म होता रहा। इधर मिट्टी खत्म हुई, उसका जख्म ठीक हो गया, वो सेहत याब हो गया। कलकत्ता पहुंचा, डॉक्टर ने कह रखा था पैर बगैर कटवाए काम नहीं चलेगा, नहीं तो मर जाएगा। वो गया उसी डॉक्टर के पास, ठीक ठाक गया, चलते हुए गया, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, ठीक हो गए? आपने तो कहा था कि बगैर पैर कटे काम नहीं चलेगा, फिर कौन सी दवा ने तुझे असर किया बता? डॉक्टर भी परेशान है, कहा ये कोई दवा नहीं, मुर्शिद के मजार की मिट्टी है, ये पीर के कब्र की खाक है ये। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था सही ये है, जहां पर डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म होती है वहीं से अल्लाह के वली का इलाज हो जाता है। ये है सरकारे सुरकाही, ये हैं जिनकी कब्र की मिट्टी में शिफा हो, जिनकी मजार की खाक मुरीदों और चाहने वालों के लिए दवा बन जाए। ऐसा पी अल्लाह ला, जोर से बोले, जोर से। तो हजरत महबूब इलाही के मुरीद हजरत अमीर खुसरो, देखा है दिल्ली, गए हैं, गए हैं ना। हजरत अमीर खुसरो बंगाल फतह करके सिपाहियों के साथ आ रहे थे, बंगाल फतह करके ले सिपाहियों के साथ आ रहे थे। हजरत अमीर खुसरो एक रात एक जगह कयाम फरमाया, बगल में एक मुसाफिर खाना था। समझ, अचानक रात के सन्नाटे में आवाज देने लगे, बुए शेख में आया, मुझे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। सिपाहियों ने कहा हुजूर दिल्ली दूर है, कहां दिल्ली कहां आप, यहां पीर की खुशबू कहां आएगी। लेकिन दीवाना वार कहते जा रहे हैं पीर की खुशबू आ रही है, पीर की खुशबू आ रही है, और ये कहते कहते उस मुसाफिर खाने की तरफ दौड़े जो सामने मौजूद था, पीछे पीछे सिपाही दौड़े हैं। हजरत अमीर खुसरो उस मुसाफिर खाने के एक कोने में पहुंचे, देखा एक मुसाफिर चादर ओढ़े सो रहा है। हजरत अमीर खुसरो ने उस मुसाफिर को जगाना चाहा तो सिपाहियों ने कहा हुजूर जगाते क्यों हैं, ये मुसाफिर थका है, ये सो रहा है। कहा यहीं से पीर की खुशबू आ रही है। हजरत अमीर खुसरो ने उस मुसाफिर को जगाया, जब जगाया तो मुसाफिर भी नाराज हुआ, कहता है क्या बात है, क्यों तंग करते हो, जमाना हम गरीबों को तंग करता है और तुम भी सोने नहीं देते। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं बता तू कहां से आ रहा है, बता तू कहां से आ रहा है। वो दीवाना, वो मुरीद, वो मुसाफिर कहता है देखो मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी, मैं गरीब हूं, समाज के सामने जब मैं रिश्ता लेके गया लोगों ने बहुत सारी मांग कर दी, हमारे पास पैसे नहीं, कहां से लाते, बेटी की शादी कैसे होती। मेरी बीवी ने कहा मेरे सरदार चले जाए पीर और मुर्शिद की बारगाह में, दुनिया पीर के दरवाजे से पलती है, आप भी कुछ लेके चले आए। अब देख लीजिए जरा, आज पीर मुरीदों के दरवाजे से पलता है, कल पीर ऐसे थे जिनके दरवाजे से जमाना पलता था, 24 घंटे लंगर चलता था, जो आता था वो अपना पेट भर के जाता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत अमीर खुसरो के सामने उसने कहा कि एक हफ्ता तक मैं रहा, सोचा कि कुछ मिल जाए,
जाएगा पीर की बारगाह से, लेकिन कुछ ना मिला। चलते चलते हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक टूटा हुआ जूता दिया और जूता देके कहा ले जा इसे। मैंने सोचा कि जो जूता काम में न आए जो न पहना जाए लेके करूंगा क्या, फिर भी सोचा कि पीर का तोहफा है ले लेता हूँ, यही जूता है जो मैं लेके जा रहा हूँ। हजरत अमीर खुसरू की आंखें भीग गई, हजरत अमीर खुसरू रोने लगे। पीर के जूते का नाम सुन के कहा बता बता कहाँ है वो जूता, दिखला कहाँ है वो जूता। अल्लाह अल्लाह, मुरीद ऐसा के सैकड़ों मील दूर है अपने पीर से, लेकिन जूते से पीर की खुशबू आ रही है। जो जूता पीर के कदमों से लग जाए वो जूता भी तमाम जूतों से मुमताज हो जाता है। हजरत अमीर खुसरू ने जूता को देखा तो आंखों से लगाने लगे, चूमने लगे। उसके बाद कहा मुसाफिर बता ये जूता तो बेचेगा क्या। वो कहता है लगता है कोई मिला नहीं आपको जो जूता न पहनने में काम आए न किसी को देने में काम आए, उसे भी कोई खरीदता है क्या, उसे भी कोई मोल लेता है क्या, उसकी कीमत भी कोई अदा करता है क्या। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं घबरा मत, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कहा मियां लेना है ऐसे ही ले लो। कहा नहीं नहीं, अगर मैं फ्री में लेता हूं तो ये भी मेरे पीर के जूते की तौहीन है। कीमत बोल। जब उसको यकीन हो गया कि ये बंदा सही बोल रहा है, ये पीर की मोहब्बत में बोल रहा है, ये कीमत देकर अपना जूता ये जूता लेना चाहता है, उसने कहा फिर टूटे हुए जूते की कीमत मैं क्या बोलूं, जो देना हो आप दे दो, आपकी मर्जी है। हजरत महबूबे हजरत अमीर खुसरू कहते हैं देखो 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 भैया मैं सफर में हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, ये पता नोट कर लो, दिल्ली आना मुंह मांगी कीमत उस जूते की लेके जाना। का अभी कितना है जरा सुन के ताज्जुब होगा, सुन लीजिए। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं कि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख सोने का सिक्का है। कितना कितना है कितना है 5 लाख, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 लाख। इस जूते की कीमत इतनी दे रहा हूं, अब पता नोट करो, दिल्ली आना और आने के बाद जितना चाहो लेके जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब उसको बड़ा ताज्जुब हुआ यार ये टूटे हुए जूते की कीमत 5 लाख, 5 लाख सोने का सिक्का, 5 लाख रुपया नहीं सोने का सिक्का। लेकिन जब उसको यकीन हुआ कि नहीं सही बोल रहा है बंदा, कहा कि ठीक है लेकिन ये ले कैसे जाऊंगा मैं। अमीर खुसरू कहते तू सोचा था कि पीर ने टूटा जूता दिया है, बेटी की शादी कैसे होगी। पीर की नजर देख रही थी, ये तो टूटा जूता लेके चला, लेकिन मेरा खुसरू उधर से आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, कहा हुजूर कैसे ले जाऊं पैसे, लोग लूट लेंगे, डाकू हैं रास्ते में, कब पहुंचवा देते, सिपाहियों के जरिए घर तक पहुंचवाया। अब देखे पीर से मोहब्बत, आज हम लोग भी पीर से मोहब्बत कितनी करते हैं। हर आदमी को अपने अपने पीर से हुक्म है कि अच्छा पीर तलाशो, पीर अच्छा तलाशो, और जब अच्छा मिल जाए तो अपने पीर को उस जमाने में सबसे बड़ा पीर समझो, ताकि उन्हें उनसे तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो। जब पीर से सच्ची मोहब्बत होगी बेलौस मोहब्बत, तो पीर का फैजान नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, फैज कैसे मिल रहा है। अब उस जूते को हम और आप होते तो क्या करते, झोला में रख लेते, बैग में रख लेते, लेकिन वाह रे अमीर खुसरू, हजरत अमीर खुसरू ने अपने दस्तार में बांधा। कहां बांधा है, सर पे रखा, ऊपर से दस्तार बांध लिया और लेके चले हैं दीवानगी के साथ। लग रहा था दुनिया की सारी दौलत मिल गई, पीर का जूता मिला सारी कायनात, पीर भी तो जान ही रहे थे ना कि क्या हो रहा है, पीर तो जान ही रहे थे ना कि हो क्या रहा है, वो तो जानते ही थे कि क्या होगा और हो क्या रहा है। पहुंचे पहुंचे अमीर खुसरू महबूबे इलाही की बारगाह में, जब पहुंचे ना तो महबूबे इलाही मुस्कुरा के कहते हैं आ गए अमीर खुसरू। मोहब्बत देखें, जब मुरीद अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करता है तो पीर का फैदान भी बरसता है।
गड़बड़ है क्या? सद्दाम भाई सुन रहे हैं, टेंशन तो नहीं है, मत लीजिए टेंशन। दीवाना टेंशन लेता नहीं, देता है। और जिसके हाथों में सुरसाही वाले का दामन हो वो टेंशन कहां लेगा। अल्लाह की मर्जी थी, हो गई बारिश, बारिश भी हुई, जलसा भी हो रहा। यह अलग बात है कि पूरा मजमा होता भरा हुआ भी कम लोग, लेकिन जलसा तो हो रहा। मुफ्ती साहब की सदारत, नादिज भाई की क़यादत, भाई सुभान अल्लाह, मौलाना गुलाम सरवर साहब की नकाबत, हमारे तमाम उलमा की हिमायत, ये है ना। महबूब इलाही ने फरमाया आ गए जी हुजूर। अब देखिए, देखिए जरा सा मोहब्बत का अंदाज देखिए। सरकार अमीर सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं खुसरू आ गए जी हुजूर, फतह करके आ गए जी हुजूर, मेरे लिए कुछ लाए हो, मेरे लिए पीर कह रहे हैं मुरीद से, मेरे लिए कुछ लाए हो। भीग गई आंखें मुरीद की, कहा सरकार सब कुछ दिया हुआ तो आपका मैं लाता क्या। अरे फिर भी तो कुछ लाया होगा, मेरे लिए क्या तोहफा लाया है। हुजूर लाया है दस्तार खोला, डाल दिया। देखा वही जूता जिसको गरीब मुरीद को दिया था महबूब इलाही ने। अरे ये जूता, ये तो मैंने किसी को दिया था, ये तुमको कहां से मिल गया, क्यों तुमने ले लिया उससे। महबूब इलाही से अमीर खुसरो कहते आका लिया नहीं है, खरीदा है। खरीदा है, पैसा पैसा अदा किया। अंदाज देखें हजरत, 5 लाख सोने के सिक्के में। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं बस मेरे जूते की कीमत इतनी ही लगाया तुमने। आहा जोर से, ये अंदाज़े मोहब्बत है, इतने ही दिया। रोने लगे, कदमों पे गिर गए। सरकार सफर में था, इतने ही पैसे थे, दे दिया, पता लिखवा दिया और कह दिया हो कि दिल्ली आना तो जितनी कीमत मुंह मांगी तुम्हें चाहे इस जूते की लेके चला जाना। हजरत अमीर खुसरू का ये अंदाज देखा, महबूब इलाही का फैजान बरसने लगा, महबूब इलाही की आंखें भी भीग गई। महबूब इलाही फरमाते हैं इतनी मोहब्बत करते हो अमीर खुसरू अपने पीर से, इतना प्यार करते हो, इतनी अकीदत है, सरकार जबान से बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है अपने पीर से मोहब्बत का अंदाज बयान कर सकूं। जब इतना सुना तो उसी दिन महबूब इलाही ने कहा था कि मुझे भी इतनी मोहब्बत है अमीर खुसरो से कि अगर शरीयत इजाजत देती तो निजामुद्दीन और अमीर खुसरो एक कब्र में आराम करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं और अमीर खुसरो एक ही कब्र में होते। इसीलिए अमीर महबूब इलाही ने फरमाया था कोई मेरी बारगाह में आना चाहता है तो पहले खुसरो की बारगाह में जाए, पहले वाजरी दे, फिर मेरी बारगाह में आए। जब तक अमीर खुसरो की बारगाह में हाजिरी नहीं देगा मेरे दरबार में उसकी हाजिरी नहीं हो। की बारगाह में तो पहले सरकार अमीर खुसरो की बारगाह में हाजिरी देता है, ठीक है, अब फिर वहां पे जाके हाजिरी देता है, समझ रहे हैं ना। तो मुरीद जो होना चाहिए ना मतलब के लिए नहीं, ठीक है ना, बल्कि एक ऐसा ये रिश्ता है ना कि जब मुरीद होता है इंसान तो अपने आप को बेच देता है पीर के हाथ, और जब बिकेगा इंसान ना तो फिर पीर अच्छा होना चाहिए, पीर पाबंद शरा होना चाहिए, पीर ऐसा हो। देखिए पीर की शर्तों में से चार शर्तें, उसमें एक शर्त यह भी है कि इतना इल्म रखता हो कि किताबों से अपनी जरूरियात के मसाइल निकाल सके, ठीक है। लेकिन आज निकालना तो दूर की बात है, पढ़ने आएगा ही नहीं तो निकलेगा, समझ रहे हैं। तो
किसी के जुब्बा को देखकर, किसी की दस्तार देखकर, किसी की लाठी देखकर, किसी की अंगूठी देखकर, हाँ किसी का लंबा लिफाफा और वगैरह वगैरह ताम झाम देखकर वली मत समझ लेना, बल्कि कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो परहेजगार होते हैं वही अल्लाह वाले होते हैं, जो तकवा वाले होते हैं वही अल्लाह वाले होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। समझ रहे हैं ना? आसमान में उड़ने का नाम विलायत नहीं, दरिया पे तैरने का नाम विलायत नहीं, नबी की शरीयत पे चलने का नाम विलायत है। हजरत जुनैद बगदादी का कौन सुना? एक आखिरी बात, दो मिनट। एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, 6 महीना तक रहा, चुपचाप फिर जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या बात है, आए अभी जा रहे, कुछ बोले नहीं? कहो हुजूर आया था मुरीद होने, फिर क्या हुआ? सोचा था कि कोई करामत देख लूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन 6 महीने में कोई करामत नहीं देखी इसलिए भाग जा रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुरीद हो या ना हो तेरी मर्जी, लेकिन तुमने करामत को किस करामत किस चीज को समझा है? आसमान में उड़ने का नाम करामत, दरिया पे चलने का नाम करामत? तूने आसमान में उड़ते तो नहीं देखा, दरिया पे चलते तो नहीं देखा, लेकिन इस 6 महीने में बता मेरा कोई ऐसा काम देखा है जो नबी की शरीयत के खिलाफ हो, जो मुस्तफा के कानून के खिलाफ हो? तू कहता है हुजूर नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। तो अमीर हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं आसमान में उड़ने का नाम विलायत नहीं, जमीन पे चलने का नाम विलायत नहीं, बल्कि नबी की शरीयत पे अमल करने का नाम विलायत है। समझ रहे हैं ना? नबी की शरीयत पे चलने का नाम विलायत है। अगर किसी को भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जर्रा बराबर भी पाओ, समझ लो ये वली नहीं हो सकता, ये पीर नहीं हो सकता, ये वली नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ पे अपने आप को बेच दिया जाए। इसलिए जब पीर ढूंढो ना, ऐसा तलाशो पीर जो नबी की। अब गौसे आजम तो नहीं मिलेंगे ना, लेकिन गुलामे गौसे आजम तो हो, गरीब नवाज तो नहीं मिलेंगे लेकिन गुलामे गरीब नवाज हो, महबूबे इलाही तो नहीं मिलेंगे लेकिन गुलामे महबूबे इलाही हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तो नहीं मिलेंगे लेकिन गुलाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नायब तो हो, इमाम अहमद रजा तो नहीं मिलेंगे लेकिन नायब इमाम अहमद रजा तो, सरकारे सुरखाही तो नहीं लेकिन सरकारें सुरकाही का नायब तो हो। समझ रहे हैं? ऐसे को पीर बनाए और सिर्फ पीर नहीं, पीरी के साथ, पीर बनाने के साथ, मुरीद होने के साथ साथ नमाजों की पाबंदी करें। समझ रहे हैं? रमजान आ रहा है, रोजे का इत्मीनान करें, तरावी पढ़ें, अल्लाह तौफीक दे तो चेहरे पे दाढ़ी रखें, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को पर्दे में रखें, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में दीन लेकर आए मुस्तफा का। क्या लेकर आए? दीन लेकर आए। ये छोटे छोटे बच्चे, आप तो सोचते होंगे मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरा वक्त कट गया, सही है, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनके कर्जदार हैं हम, और उनके कर्जे को पूरा करना है तो उनको दीन सिखाए आओ, उनको शरीयत सिखाए आओ, उनको आशिक रसूल बनाए आओ, उन्हें मुस्तफा की नात पढ़ना सिखाएं, उन्हें दुरूद पाक का आदि बनाएं, उन्हें सच्चा नमाजी बनाएं। जब ये सब काम होगा तो फिर हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारा मुआशरा भी अच्छा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सरन हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी तुबैले हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, ये महफिल नूर जिंदाबाद फैजान सरकार सुरका ही पाइंदाबाद। सलाम फरमाए अभी मुझसे पहले हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब बिलाली, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ताला हजरत की गुफ्तगू पे हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और बहुत ही नायाब गुफ्तगू सुननी है,
हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी दामन बरकातहू तशरीफ फरमा है, गाइस पे इनकी भी गुफ्तगू होनी है। और हजरत ने मुझसे कह दिया है कि आप जम के पढ़ें, लेकिन चूंकि मैं वक्त और माहौल को देख रहा हूं और मैं जम के तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बस ये है कि माशाल्लाह तमाम लोग हैं, बहुत कम वक्त में कोई भी एक कलाम मुकम्मल मैं नहीं पढ़ूंगा, बल्कि एक मतलब कुछ मुनफरिद कलाम के मुनफरिद अशार आपको मैं सुना दूंगा, फिर जब कभी आऊंगा उन तमाम कलाम को मुकम्मल करूंगा। बस इसी जुमले के साथ कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूं इस वक्त, और वो इसलिए कि एक साल कब्ल बातिलों के दरमियान, यानी खुल के कहूं तो नजदियत के दरमियान मैं भटक रहा था, लेकिन जब बात आ गई मसले के आला हजरत की तो आफ्ताब रहबर कलकत्तवी ने चुपचाप आकर के अपने अकीदे का इजहार नहीं किया, बल्कि एक मुकम्मल इजलास को सजाकर और पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार सैयद गयासे मिल्लत कालपी शरीफ को बुलाकर उनके हाथों में हाथ को दे करके देवबंदियत से तौबा करके उनके दामन से वाबिस्ता हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फक्र है। ऑपरेटर भाई जरा बुला ले, ऑपरेटर भाई हैं कहाँ हैं? अच्छा उनको आप बुला ले। बस अब जैसे ही मैं सुन्नियत के डाइज पे आया तो सबसे पहला एक कलाम, उसके एक मतलब चंद शेर, खेमे बातिल से एक शायर निकलता है सुन्नियत के डाइज पे खड़ा होकर के उन्हें भी दावत देने की कोशिश करता है। और आफ्ताब रहबर कलकत्तवी का तो फकत मिशन और मकसद सिर्फ यही है कि मैं जब तक मेरी हयात रहे बस मसले के आला हजरत का प्रचार प्रसार करूं। अब देखिएगा यहां से शेर, एक शायर निकलता है सुन्नियत के डाइस पे खड़ा होकर के उन्हें भी दावत और तबलीग यहां से पेश करता है, मतला करता हूं सच्चाई चाहिए तो दुआ चाहूंगा कि बाद जन्नत तू कैसे पहुंच जाएगा, के बाद जन्नत बाग जन्नत तू कैसे पहुंच जाएगा। रब के महबूब का नक्श सा छोड़ कर बाग जन्नत, जन्नत तू कैसे पहुंच जाएगा, रब के महबूब का नक्श सा छोड़ कर के बाग जन्नत, जन्नत तू कैसे पहुंच जाएगा, रब के महबूब का नक्श सा छोड़ कर, रब के महबूब का नक्श सा छोड़ कर के प्यार गौसलवरा मेरे ख्वाजा पिया, प्यार गौसलवरा मेरे ख्वाजा पिया, और दामान अहमद रजा छोड़ कर, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सिकाही जनाब आफताब रहबर कलकत्तवी, नारे तकबीर नारे रिसालत मुबारक वैरा। एक मिनट का भी वक्त बर्बाद
नहीं करूंगा, आज गुफ्तगु होगी नहीं, सिर्फ शेर होगा। सिर्फ एक जुमला बतला दूं कि हिंदुस्तान के हर खत्ते में जाके इस आफ्ताब रहबर कलकत्तवी ने बड़ा जलसा हो या ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा हो पढ़ा, और ये अल्लाह का शुक्र है आज मैं आपके बीच मसले के आला हजरत के बैनर तले में खड़ा हूं। मुबारकबाद इंशाल्लाह मैं आपको भी पेश करता हूँ कि आप कमेटी के फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने खूबसूरत मजमा को सजाया, बहुत अच्छी महफिल चल रही, मोहब्बत से जी लगा के कहे सुभान अल्लाह। ऑपरेटर भाई जरा साउंड देख लें। छोड़ कर के आला हजरत अल्लाह हजरत का ये मुझे फैजान है। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ और इसी मिसरे के टुकड़े को सुन के नजर सोशल मीडिया के जरिए काल के जरिए इतनी इस तरह की धमकियां मुझे मिली, लेकिन चूंकि जो हकीकत पर मबनी मिसरा हो गया तो हो गया। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह के आला हजरत आला हजरत का ये मुझे फैजान है, आला हजरत का ये मुझे फैजान है। लुटते बचा मेरा ईमान है, आला हजरत का ये मुझे फैजान है। लुटते बचा मेरा ईमान है के आला हजरत का ये मुझे बेफ़ज़ान है। लुटते बचाने रहीमान है, लुटते बचाने रहीमान है कि मेरे आका का मुझ पे करम हो गया, मेरे आका का मुझ पे करम हो गया। मुझे और भी कलाम वाम बहुत ज्यादा नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कहें सुभान अल्लाह कि मरहबा। हुजूर ताजू शरिया के दीवाने तैयार रहे मोहब्बत के साथ। मरहबा 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 वो बुलाए गए मरहबा मरहबा वो बुलाए गए और मेहमान काबा बनाए गए। मरहबा मरहबा वो बुलाए गए और मेहमान काबा बनाए गए कि मरहबा मरहबा वो बुलाए गए और मेहमान काबा बनाए गए और मेहमान काबा बनाए गए। बोलिए आप किसको शरफ ये मिला, बोलिए आप किसको शरफ ये मिला एक बरेली के अख्तर रजा छोड़कर। बोलिए आप किसको शरफ ये मिला एक बरेली के अख्तर रजा छोड़कर। खास मुलायदा फरमाए आप कहें सिर्फ सुभान अल्लाह,
इसलिए कि हमारे भाई साहब नोटों की गड्डी लेके बैठे हैं। इनाम देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जो पीछे वाले हैं मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह छोड़ कर एक बरेली के अख्तर रजा छोड़ कर एक बरेली के अख्तर रजा छोड़ कर एक बरेली के अख्तर रजा छोड़ कर मक्का हाजिर करता हूँ मुलायजा फरमाएं के हाथ में के हाथ में हाथ लेकर ये मुझसे कहा हाथ में हाथ लेकर ये मुझसे कहा काल पीवा ले हजरत मेरे पीर ने हाथ में हाथ लेकर ये मुझसे कहा काल पीवा ले हजरत मेरे पीर ने के हाथ में हाथ में हाथ लेकर ये मुझसे कहा काल पीवाल हसरत मेरे पीर ने काल पीवाल हसरत मेरे पीर ने कि तुमको मंजिल कभी भी न मिल पाएगी तुमको मंजिल कभी भी न मिल पाएगी गौसे बगदाद का रास्ता छोड़ कर तुमको मंजिल सजाया है अल्लाह ताला रजा कमेटी के एक एक फर्द को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि इससे भी बेहतर और पूरे इंतजाम के साथ अगले साल इस महफिल को सजाया जाए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह कि सजी है जिक्र नबी की महफिल सजी है जिक्र नबी की महफिल सजी है जिक्र नबी की महफिल दीवाने खुशियाँ मना रहे हैं सजी है जिक्र नबी की महफिल दीवाने खुशियाँ मना रहे हैं सजी है जिक्र नबी की महफिल दीवाने खुशियाँ मना रहे हैं सजी है जिक्र नबी की महफिल दीवाने खुशियाँ मना रहे हैं सजी है जिक्र احمد رضا کے شیدا عدو پہ بجلی گرا رہے ہیں امام احمد رضا کے شیدا عدو پہ بجلی گرا رہے ہیں اے بدعقیدو क्यों अपने जैसा बता रहे हो मिसरा लगेगा अब तड़प जाएंगे ऐ बदती दो मेरे नबी को क्यों अपने जैसा बता रहे हो ऐ बदती दो मेरे नबी को क्यों अपने जैसा बता रहे हो ऐ बदती दो मेरे को क्यों अपने जैसा बता रहे हो ऐ बदहक दो
शान देखो के डूबा सूरज, ये शान देखो के डूबा सूरज, वो पल में वापस बुला रहे हैं। देखो के डूबा सूरज, वो पल में वापस बुला रहे हैं। बतौर खास एक शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलायदा फरमाए। तुम अपनी हर गत से बाज आओ, तुम अपनी हर गत। एक साल का वक्फा हो गया, लेकिन वो जो काल का सिलसिला है, उल्टी सीधी बातें अभी तक कम हुआ है, लेकिन वो काल बंद नहीं हुई अभी तक। एक शेर अफताब रे पर पहुंचाता है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तुम अपनी हर गत से बाज आओ, तुम अपनी हर गत से बाज आओ, ना आंखें ऐ नजदियो दिखाओ। तुम अपनी हर गत से बाज आओ, ना आंखें ऐ नजदियो दिखाओ। तुम अपनी हर गत से बाज आओ, ना आंखें ऐ नजदियो दिखाओ। तुम अपनी हर गत से बाज आओ, ना आंखें ऐ नजदियो दिखाओ। तुम अपनी हर गत के रास्ते पर अब आला हजरत चला रहे हैं। के रास्ते पर अब आला हजरत चला रहे हैं। उनके बचपन का मौजज़ा था के चांद खुद उनसे खेलता, बचपन का मौजज़ा था, ये उनके बचपन का मौजज़ा था, के चांद खुद उनसे खेलता था। ये उनके बचपन का मौजज़ा था, के चांद खुद उनसे खेलता था। ये उनके बचपन से खेलता था, ना चाके उंगली से चांद को भी, ना चाके उंगली से चांद को भी, नबी खिलौना बना रहे हैं। चाके उंगली से चांद को भी, नबी खिलौना बना रहे हैं। चाके उंगली से चांद को भी, नबी खिलौना बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने वादा किया था कोई भी कलाम मुकम्मल नहीं, बस दो शेर तीन शेर इस तरह करके। और खूबसूरत नाते पाक एक मतलब चंद शेर मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि फर्श पर आमीन नबी, कि फर्श पर, फर्श पर, फर्श पर, फर्श पर, फर्श पर आमीन नबी। जब तेरा लाला आया है, हाथ उठा के एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह।
खूबसूरत मतला है और इसके दो तीन शेर सुनाऊंगा, अब तबीयत से सुन ले इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मतला मुलाहिदा फरमा कि फर्श पर आ नबी, फर्श पर आ नबी, जब तेरा लाला आया है, फर्श पर आ नबी, जब तेरा लाला आया है, फर्श पर आ नबी, जब तेरा लाला आया है, कि फर्श पर आ मैंना फर्श पर आ मैंना भी, जब तेरा लाला आया है, बुत पे सवाल आया है, खाना है कहाँ पके है, बुत पे सवाल आया है, सुन के आहट शब्द में राजी बोले आका, 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 के सुन के आहट ऐसा लगता है कि जन्नत में बिलाल आया है, लगता है कि जन्नत में बिलाल आया है, और रात भर सजदे में रोते रहे शाह बदहा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, रात भर सजद में रोते रहे शाह बदहा, फर्श पर आ नबी, जब तेरा लाल आया है, खाना है कांप के है, बुत पे सवाल आया है, सुन के आहट शब्द मेरा जी बोले आका, ऐसा लगता है कि जन्नत में बिलाल आया है, रात भर सजद में रोते रहे शाह बदहा, ते भर सजद में रोते रहे शाह बदहा, के रात भर सजद अपने उम्मत का उन्हें जब ख्याल आया है, अपने उम्मत का उन्हें जब ख्याल आया है, अपने उम्मत का उन्हें जब ख्याल आया है, बन गया सिकंदर रहबर, नाथ सरकार से तुझ में ये कमाल आया है, कमाल आया है, कमाल आया है, नाथ सरकार से तुझ में ये कमाल आया है, मेरे सामने है और मुझे
मुझे कम वक्त भी लेना है। अब एक अकेला चंद बंद पढूंगा, उसके बाद मैं सीधे अपनी जगह जाऊंगा ताकि मुकम्मल हजरत की गुफ्तगू हो सके। एक नातिया नज़्म जो बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया सुनेगी सोशल मीडिया के जरिए, मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके जैसा रुतबा किसी का नहीं, ऐसे कीजिए किसी का नहीं। ये चाहा जाए, अगर आप ऐसा कर दें तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा एक एक मिसरा आप तक पहुंच रहा है। जब प्रदीप भाई इसका लुत्फ लीजिएगा, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह कि आप कहफुल वरा आप नूर हदा आपके जैसा रुतबा किसी का नहीं, आप महबूब रब आप शाहे अरब आप महबूब रब आप शाहे अरब आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं, आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं। जो मोहब्बत की दुनिया का सुल्तान है, कि जो मोहब्बत की दुनिया का सुल्तान है वो बरेली का अहमद रजा खान है। आया जब सामने कंजुल ईमान है, कर दिया मेरे दिल ने ये ऐलान है। जो मोहब्बत की दुनिया का सुल्तान है वो बरेली का अहमद रजा खान है। आया जब सामने कंजुल ईमान है, कर दिया मेरे दिल ने ये ऐलान है। आला हजरत का ये मुझे पे फैजान है, आला हजरत का ये मुझे पे फैजान है। लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, वो पिलाते रहे और मैं पीता रहा, वो पिलाते रहे और मैं पीता रहा, वो पिलाते और मैं पीता रहा। फैज का ऐसा प्याला किसी का नहीं, फैज का ऐसा प्याला किसी का नहीं। मोहब्बत के साथ हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह किसी का नहीं, हाँ किसी का नहीं, हाँ किसी का नहीं। मसीहत बन के कुदरत का ताला भी है, मसलहत बन के कुदरत का ताला भी है, गार के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है। मसलहत बन के कुदरत का ताला भी है, गार के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है। साथ अबू बकर अल्लाह वाला भी है, दिल में इश्क़े नबी का उजाला भी है। सौर के गार में नाक काला भी है, सौर के गार में नाक काला भी है। दिल में सिद्दीक ने पांव उठाला भी है, सांप डसता रहा वो डटेरे गए, सांप डसता रहा वो डटेरे गए, सांप डसता रहा वो डटेरे गए। इश्क ऐसा निराला किसे का नहीं, का नहीं। लेके गठरी लेके गठरी वो बुढ़िया परेशान थी,
लेके गठरी वो बुढ़िया परेशान थी, जिसने पहुंचा दिया उसे अनजान थी। लेके गठरी वो बुढ़िया परेशान थी, जिसने पहुंचा दिया उसे अनजान थी। बोली बेटा मुझे नाम अपना बता, और देकर ही जाना तू अपना पता। बोल सुन जिस डर डर के भागी है तू, बोल सुन जिस डर डर के भागी है तू। अब वही है मोहम्मद तेरे रूबरू, बोल मत देर कर जल्द कलमा पढ़ा। बोल मत देर कर जल्द कलमा पढ़ा, बोल मत देर कर जल्द कलमा पढ़ा। ऐसा किरदार आला किसी का नहीं, किसी का नहीं। ऐसा किरदार आला किसी का नहीं, ऐसा किरदार आला किसी का नहीं। एक जुमला मिला दुनिया में हर किसी के प्यार के साथ तो धोखा हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम माँ की वो प्यारी जात है जिसके प्यार में कभी धोखा नहीं हो सकता। जानबूझ के एक बंद पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, माँ के बेटे यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह कि जब तसव्वुर की दुनिया में आती है माँ। माँ के बेटे बोलते सुभान अल्लाह, मैं आती है माँ जब तसव्वुर की दुनिया में आती है माँ, जब तसव्वुर की दुनिया में आती है माँ, देखते ही मुझे मुस्कुराती है माँ। प्यार से अपने जानिब बुलाती है माँ, ऐसा लगता है कुछ गुनगुनाती है माँ। जहाँ मुशक्कत कर मुझको पिलाती है मुझको पिलाती है माँ, फिर मचल कर मैं कहता हूँ ए मेरी माँ। चाहने वाले मिलते हैं लाखों मगर, चाहने वाले मिलते हैं लाखों मगर, चाहने वाले मिलते हैं लाखों मगर। माँ तेरे प्यार जैसा किसे का नहीं, किसी का नहीं। माँ तेरे प्यार जैसा किसी का नहीं, माँ तेरे प्यार जैसा किसी का नहीं। आखिरी बंद पेश करता हूँ लहजा फरमाए कि चूर कि चूर गुस्से में थे कुफर था अर्श पर। अब ये कुफर धीरे धीरे कैसे नीचे उतरेगा मिस्रे के जरिए समाज के, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह गुस्से में थे कुफर था अर्श पर, चूर गुस्से में थे कुफर था अर्श पर, नंगी तलवार लेकर बेखौफो खतर, कत्ल करने को आए थे हजरत उमर। जब पड़ी है मेरे मुस्तफा की नजर, रख दिया कर इतने कुफर को काट कर, रख दिया कर इतने कुफर को काट कर, बोल तलवार हजरत उमर फेंक कर। अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे, अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे, अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे। आपके जैसा चेहरा किसे का नहीं, आपके जैसा चेहरा किसे का नहीं, आपके जैसा चेहरा किसे का नहीं। बन गया हूँ मैं जब से रजा का गुलाम, जब से रजा का गुलाम, मेरे लब पे है
आज शरीयत का नाम बन गया हूँ मैं जब से रजा का गुलाम बन गया हूँ मैं जब से रजा का गुलाम मेरे लब पे है ताज शरीयत का नाम फख्र अजहर का करता हूँ मैं एहतराम उनकी उल्फत का है मेरे होठों पे जाम पढ़ती है मेरे दिल की तड़प सुबह शाम पढ़ती है मेरे दिल की तड़प सुबह शाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम उनके दर से मिला है सलाम नबी उनके दर से मिला है सलाम नबी उनके दर से मिला है सलाम नबी ऐसी उल्फत का तोहफा किसी का नहीं ऐसी उल्फत का तोहफा किसी का नहीं दुआ चाहता हूँ सारे लोगों से दुआओं का ताली बजता है बराबर कल गद्दारी मक्के का बंद पड़ गया मैं अपनी जगह लेता हूँ ताकि मुफ्ती साहब का मुकम्मल खिताब हो सके कहें सुभान अल्लाह कि चांद सूरज कह दे सुभान अल्लाह कि चांद सूरज सितारे हो या के है कशा चांद सूरज सितारे हो या के है कशा अर्श कुर्सी हो लो कलम या जना कि चांद सूरज सितारे हो या के है कशा अर्श कुर्सी एक पल में गए आप ही ला मका आपके जेर पा है जमीनों जमा आपके सदक में ही बने कुल जहां आपके सदक में ही बने कुल जहां एक रहबर करे वा क्या क्या बया जिनकी मिदहत तो खुद रब का बान की जिनकी मिदहत तो खुद रब का बान की जिनकी मिदहत तो खुद रब का बान की देर में ऐ सचर चाच से का नहीं देर में ऐ सचर चाच से का नहीं आप नूरुल्हुदा आपके जैसे सरकार किसी का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्तअल अख़लाक अल-अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबियन व आदमु बैनल माई वत्तीन فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अतियत्यम सबसी सुहानम जग जग जूजनी कृत मोहम्मद मोतारम अज्ञान नेतु कृत मोहम्मद आम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्तरम रूरवम मुर्दवानम अंदात्मा प्राविशांति पराशा भूति मपाश्ते शब्दोश महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा बारगाह नबी में झूमकर दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैक या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता सच्ची बात है तो जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह उनको जगाइए
अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है? खैरियत है। अब सब लोग उनको ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना वही लेके आ गया, तो इनको भी जगाओ जगाओ जगाओ। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या छोड़ दो छोड़ दो बाबू, कोई अता पता नहीं, अब तक वो हमको नहीं देख रहा। देखिए तकरीर जो होनी थी हो गई। चचा को जगाई, चचा है कि बच्चे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या गजब की नींद आ रही है। कुछ लोगों को जलसे में नींद आती है, कुछ लोगों को मस्जिद में नींद आती है। ये बच्चे सब आप लोग सुनाओ, कुर्सी पे आओ, हिम्मत से देखे जी, जाओ आओ, आज तुमको सुना के खत्म कर रहे हैं क्या? खत्म कर रहे हैं, बोलिए खत्म कर रहे हैं। आपको देखने के बाद हमको टेंशन हो गया, वही बात याद आ गई कि एक आलिम साहब भोर में तकरीर कर रहे थे। भोर किसको बोलते हैं? शाम को? अच्छा सुबह को। भाई साहब आए थे, हमको टेंशन हो रहा है। मौलाना की लंबी तकरीर हो गई थी, दीवाने बैठे थे, तकरीर लंबी होती चली गई। एक आदमी स्टेज के करीब आके खड़ा हुआ। मौलाना बोले, बोले कि आप बोलते रहिए। मौलाना बोले कोई बात है? आप बोलते रहिए, गुस्सा में बोल रहा है। मौलाना बोले आपको कोई दिक्कत है क्या? बोले हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बुला के लाया उसको हम ढूंढ रहे हैं। छोड़ दीजिए फूल, आप बहुत देर से 2 घंटा से बैठे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे हमारी। थोड़ी देर बोले, तकरीर करने का वक्त वाकई ये नहीं है, है ना? लेकिन चूंकि आप बैठे हैं, फिरिश्त में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। आफताब रहबर साहब से मिला, बड़ी अच्छी नाफ़ज़ानी की, अच्छा आवाज, अच्छी आवाज है, अच्छा अंदाज है, अच्छा लहजा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, कह दो आमीन। सदर जलसा कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती ज़माना हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब क़िबला सदर मदरसीन दारुल उलूम फैज़ान रसूल फजपुरवा की तशरीफ आवरी है, मुकम्मल शान सदारत के साथ सरे शाम से अब तक बैठे हैं। दूसरी जानिब कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, शायर इस्लाम रौनक वैशाली साहब, ये बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना गुलाम जाफरी साहब की बड़ी अच्छी नकाबत, अच्छे अशआर और बेहतरीन जुमलों को आप समाप्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। महिब ग्रामी ग्रामी वकार खतीबुल इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीर साहब फैजी की आपने इनका खिताब नयाब आपने सुना है, इस मिंबर शरीफ पर है। आप इन चेहरों की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारे मौलाना शमशीर साहब तेगली नेटवर्क ना, कुछ इशारा कर हर जलसे में इनसे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन हम तो जलसा में डेली जाते हैं तो हमको तो कुछ बनता है, आप उसे बन रहा है कि नहीं? शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अपने वक्त में इमाम होते थे, मदरसे के मुदर्रिस होते थे, इस वक्त सबको छोड़कर एक सेटअप खरीद कर काम कर रहे हैं, उलमाए रब्बानीन की बातों को अवाम तक पहुंचा रहे हैं, और भी नेटवर्क वाले हमारे भाई लोग हैं, अल्लाह ताला इन सबों के कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, कह दो आमीन। जरा सब लोग हाथ उठा के एक बार मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अगर सुनने का रियाज है तो
हमारे तकरीर का अंदाज कुछ और है। सब लोग अपने अपने अंदाज में तकरीर करते हैं, हमारे सुनाने का अंदाज कुछ और है। अगर आप सुनने का मिजाज रखते हैं, 10-20 मिनट हमें बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार इतनी जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज इस धरती से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और वचन के बोले या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी समाज है, आप अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। तब तो इस वक्त बैठे हुए हैं इलाके के लोग, लेकिन आप बैठे हैं, आप अच्छे हैं। आप ही के बारे में किसी ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आपका मन तो, आपका मन तो गदगद हो गया कि अब तो जन्नत मिल जाएगी, क्या बात है। जन्नत के लिए तो जन्नत के लिए जन्नत चाहिए ना आपको, सब लोग ना जबरदस्ती लाठी लेके। देखिए एक शायर है हिंदू धर्म का, पंडित नबी की मोहब्बत में एक शेर लिखता है, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनेन को दामन में बसा ले, कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा। हिंदू पंडित का ऐसा अकीदा है कि नबी की जूती मिल जाए तो सुन्नी मुसलमान का अकीदा, सुन्नी मुसलमान का तो अकीदा है या रसूल अल्लाह आपके पांव की जूती हो, हम गुलामों के जिस्म का चमड़ा हो। तब तो एक शायर कहता है कि प्यारे मोहम्मद जगबूजियारो अरशे पे चमके के प्यारे मोहम्मद जगबूजियारो अरश पे चमके नामा हो, तो तोरे ही पाओ के जूता हो प्यारे हमरे शरीर का चाम हो, तो तोरे सोमनाथ स्वामी जिसका शेर हम अक्सर पढ़ा करते हैं, वो कहते हैं मदीने पाक से होकर जो हवा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए ये बुए शफा लाती है। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए ये बुए शफा लाती है। कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें आया है। आज बातों बात में देखिए अफताब भाई ने कहा तो फिर मैं पढ़ता हूँ। अकीदा है कुछ लोगों का कि नबी हमारे बदअकीदा की जमात लंगड़ा चलता है, लंगड़ा के नबी हमारी थी। बे पागल देखो तुम चम चम क्या है, आंख का डेवड़ा देखे उत्तर दिखा जाए दक्षिण, वो बोलता है नबी हमारी तरह है। बे तू देख ले देख ले कैसे है, बोलता है जब 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 पूरी दुनिया की तांगा, पूरी दुनिया
का जवाब नहीं दे सकते तो मुस्तफा का जवाब। मेरे नबी के जैसा ये मुझसे मत पूछो, मेरी किताब से मत पूछो, एक हिंदू धर्म की किताब से पूछो कि नबी के जैसा कौन है, तो कहते हैं अति अतियम शमसी सोहनम जग जग दूजनी कृत मोहम्मद। पूरे जग में जग जग दूजनी, पूरे जग में पूरी संसार में कल्कि अवतार के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरे नबी के जैसा बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा। ऑपरेटर भाई जगह हो तो कम करो, क्या कह रहे हैं रिपीट कम करो, हम माइक वाले को कुछ नहीं कर उसका भी रोजी रोटी का सोर्स का है, जैसा रहे बोलते रहे, रिपीट कम कर दो मेरे भाई। मेरे नबी के जैसा ये कौन कहता है, हिंदू धर्म का पंडित कहता है, एक भोजपुर का शायर क्या कहता है, एक भोजपुर का शायर कहता है कि चम चम बदन वो चमके, ए चम चम बदन वो चमके, अ चमके लीला रहो ओढ़े मौसम मिल चादर, ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े शमशीर भाई को खूब तरक्की अता फरमाए। अच्छा कुछ लोग आमीन बोले, ये लोग बोले उनकी तरक्की हो जाएगी, तो सब लोग बोलिए आमीन और जोर से बोलिए आमीन। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृतम मदम नकर्षम विदायम तदुदी इंद्रम मित्रम रूरवम मूर्धवानम अंधात्मा प्रवेशो इसी का मतलब सुना के मैं अपने तकरीर को खत्म करूंगा, बोल दूंगा सुहानम सुहा सुना दे। चाहते हैं एक बार सब अपने धर्म का कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और मुझे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने के लिए कहा था तीन लोग, कुछ लोग मसरूर होकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर कलमा काहे नहीं पढ़ते हो भाई, पढ़ो ये कौन देश है, भारत क्या है, भारत भारत हिंदुस्तान, यहाँ सूरज निकलता है डूबता भी है, नेपाल में निकलता है, पूरी दुनिया में सूरज निकलता है। गौर से सुनो चचा सुनिए, पूरी दुनिया में सूरज निकलता है और डूबता है, सब देश का अलग अलग टाइम है निकलने का और डूबने का, और सब देश के मौसम के हिसाब से वहां के सेल्सियस डिग्री होती है। यहाँ भारत में जब सूरज निकलता है ना, भारत में कहां निकलता है मालूम है, साइंस वाले भी होंगे इसमें पढ़े, कहां निकलता है भारत में सूरज, अरुणाचल प्रदेश कहां निकलता है, वहीं से सूरज निकलता है। हाँ तो वहां जहां सूरज निकलता है, जिस वक्त सूरज निकलता ना, वहां की सेल्सियस डिग्री होती है 66, कितनी होती है 66, और जब डूबता है ना हिंदुस्तान में सूरज,
तो उस वक्त की सेल्स डिग्री होती है 92। कितनी होती है? 92। 66 पे सूरज निकलता है और 92 पर डूबता है। 66 ये अल्लाह के नाम की अदद है और 92 मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता चलता है इस भारत में जब सूरज निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से ऐ रब बोलता है, ऐ रब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता, सनम बोलता है। मैं बता रहा था कि मेरा मुस्तफा, मेरे मुस्तफा का न मेरे मुस्तफा का जवाब है, न मेरे मुस्तफा के तलवे का जवाब है, न मेरे मुस्तफा के जलवे का जवाब है। आइए मैं सुस्त का खुलासा करने जा रहा हूं, दो चार पांच घबरा रहे खत्म कर दो। हम तो चाहते हम कभी जबरदस्ती तकरीर नहीं करेंगे, हम पांच मिनट बोले मेरा फीस तैयार है, फायदा मेरा है नुकसान है। हम तो दिन रात तकरीर करते हैं, शौक नहीं है कि हम दो घंटा आपको सुनाएं, हम तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, है ना। हाँ, लेकिन आप अगर घबरा चाचा ठीक सर, ये रमजान आजीज जरूर रमजान जानते हैं ना, अब इसमें किसी का नाम रमजान नहीं है, रमजान में ना नाम होता है, होता है कि नहीं चाचा? तो बहुत पुराने आप तो जानते हैं, करते होंगे पहले जमाने में शुभराती जुमराती मंगल बुध को बुधवार, रमजान में हमने जो देखा है जिसका नाम रमजान है, हमारे इलाके में भी रमजान का रोजा नहीं रहता है, रमजान रोजा। अब इसमें किसी का नाम रमजान होगा नहीं, अगर नाम है तो रोजा रहना चाहिए कि नहीं? अभी पीर साहब का तस्करा कर रहे थे अल्लामा जियाउद्दीन साहब, एक गांव में एक पीर साहब पहुंचे, बोले तुम लोग रोजा रहता है रमजान आता है तो? बोला हजरत हमारे गांव में, बोला नहीं आता है, कहा नहीं, बोला अच्छा छोड़ो 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 हटाओ, इस बार रमजान आएगा तो रोजा रहेगा। बोला हजरत कब आएगा? बोले 22 तारीख को आएगा। जाहिल लोग तो बोले किधर से आएगा, कुछ नहीं फिर साहब भी अपने भाषा में समझा रहे थे, चांद इधर से निकले। बोले हजरत किस टाइम आएगा? बोले शाम में आएगा। फिर साहब चले गए, गांव वाला आया है कि कैसे हम लोग लोग महीना रहेंगे यार, चलो रमजान को 22 तारीख के शाम में गांव का सब लोग लाठी लेकर, बड़ा तफसील है ये लतीफा, लेकिन निकल 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 आ रहा है लाठी लेके जा रहा था, जाते जाते कुछ दूर गया तो एक आदमी आ रहा था, बोला क्या नाम है जी? बोला शफी। बोला जाओ जाओ। दूसरा है, बोला क्या नाम? बोला रफी। बोला तुमको भी खेले थे जो? तीसरा आदमी घोड़ा पे बैठ के आ रहा था, क्या नाम है? कहा रमजान। बोला यही है, यही जा रहा है। हम हंसा नहीं रहे आपको, कहा के यही है, किधर जा रहा है? बोला कि साहब आपको जाने दो, आप कुछ नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ। बोला नहीं, हम बहुत दूर से, कहीं से नहीं, जाओ जाओ। आखिर वो नहीं माना तो लड़ाई हुई, लड़ाई हुई, गांव वाले ने मार पीट के उसको वापस, वो बेचारा थक हारा चला गया वापस। एक दो महीने के बाद जब फिर साहब आए, बोले चलो रोजा रखा, बोला 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 रोजा रखा रमजान में? बोला आएगा तब? बोला नहीं है। बोला वो तो आना चाह रहा था लेकिन आने नहीं दिया। ये सब घटना रमजान
आज से अल्लाह चाहेगा तो काम शुरू होगा, आ नहीं चाहेगा तो आज रोजा रखेंगे ना, शुरू हो रहा होने वाला है। कुछ लोगों की दवाई भी आज खरीदा लेंगे, गैस की दवा जेब में रखेंगे। मोदी साहब बोले रोजा रखते हैं, हुजूर तबीयत बहुत खराब है, वो बोलेगा नहीं पहले दवाई दिखाएगा, दवाई निकाल के दिख लाओ, फरिश्ता भी इतना पीटेगा ना, मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। वो सो रहे हैं, सो रहे हैं, जगह मोबाइल चलाइए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे थे कि आप सो रहे हैं, मोबाइल तो चलाना ही चाहिए, मोबाइल तो बीमारी हो रही है। अब सुनिए, हिंदू धर्म की किताब कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम हिदायत दुनिया। ए लोगों, अगर तुम कामयाबी की दहलीज पे जाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, हम लोग सब लोग होना चाहते हैं, कहते कामयाब होना चाहते हो तो कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दरवाजा वाकई साफ नहीं है। कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता, यानी हम उनकी जिंदगी को अपना लो, उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में दे दो, कामयाब हो जाओ। ये पंडित जी ने जो लिखा है अपनी किताब में कि कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता, यानी मोहम्मद अरबी की जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो तो कामयाब हो जाओ। हमने मुफ्ती साहब से कहा, हजरत हम तो ऐसा ऐसा पढ़े उनकी किताब में, इन्होंने कहा उनकी किताब को उधर रखो, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ज्ञान कुरान मजीद को खोलो। हमने कहा हजरत बता दो, इन्होंने कहा कुरान कहता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हमने कहा क्या मतलब, क्या प्यारे नबी की जिंदगी को अपनाने की बात करते हो, उनकी किताब पढ़ के, मेरी किताब कहती है प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है जिंदगी है। घबराना नहीं, उनकी जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। हम नबी की सीरत का प्रचार अपनी किताब से करते हैं, हम नबी की सीरत की बात हदीस से करते हैं, हम नबी की सीरत की बात उलमा की किताब से करते हैं, उलमा की तस्नीफ से करते हैं, लेकिन उलमा की तस्नीफ एक तरफ, हमारे धर्म की किताब एक तरफ रखो, हिंदू धर्म की किताब एक तरफ रखो, और प्यारे मुस्तफा की सीरत का पता लगा लो। चल जाती है, अभी उसी का मतलब सुनाने जा रहा हूं, और बात चलती है कि नबी को पावर, नबी माजल्लाह रब्बिल आलमीन, देखिए संस्कृत का मतलब सुनाने जा रहा हूं, कहते हैं कि नबी कुछ कर ही नहीं सकते, तारीख सुनाता हजरत अबू हुरैरा का नाम। भाई साहब क्या दिक्कत है आपको, हजरत को ले जा रहे, ले जाइए इनकी गाड़ी है, कहते हैं नबी कुछ कर, अभी संस्कृत का खुलासा करूंगा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, हजरत अबू हुरैरा का नाम सुना है प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर इधर देखो, हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल के बड़ी चीज सहाबी। एक बार अबू हुरैरा के घर में एक साइल आया, कौन आया जरा बोलते रहिए, साइल समझते मांगने वाला, कहे अबू हुरैरा नबी के नाम पर कुछ मिल सकता है, इस वाक्य को सुनना, अब फिर संस्कृत का माना सुनना, तक खत्म कर दूंगा। का नबी के नाम पर कुछ मिल सकता है,
तो अबू हुरैरा घर के अंदर गए, घर में जो खाने पीने का सामान था उठा लिया। सुभान अल्लाह, का और कुछ मिल सकता है? अबू हुरैरा घर में गए, जो कुछ बचा खोचा था सब नबी के नाम पर दे दिया। साइल चला गया। हदीसे पाक का खुलासा कर रहा हूँ, वाकया इधर उधर तवज्जो से सुनना। साइल चला गया। अबू हुरैरा खाने के लिए ही घर में जा रहे थे, खाने का सामान उसी को दिया। उस जमाने में आपके तरह ज्यादा भात उतने बात जो एकदम पुलाव उस जमाने में खजूरें मिल जाती थी अक्सर वहां उस वक्त के जमाने उस जमाने में खाना खजूर हुआ करता था, है ना? दे दिया था खजूर, घर में कुछ नहीं था। अबू हुरैरा सोचने लगे कि हमने तो साहिल को दे दिया नबी के नाम पर, हम किससे मांगें? अबू हुरैरा सब्र करके रह गए। कौर से सुनना दो चार पांच मिनट, हम किससे मांगे? सब्र कर लो। रात में भूख लगी, सब्र कर लिया। कल भूख लग गई, सब्र कर लिया। कल की रात गुजार दी। जब दो दिन दो रातें गुजर गई, भूख की शिद्दत बढ़ गई, भूख का एहसास काफी बढ़ चढ़ के सर पे आया, तो अबू हुरैरा के दिमाग ने अपने समझ में मालूम है कि चलते हैं रोड, रोड पे खड़े हो जाएंगे और जब कोई मुसलमान गुजरेगा ना तो हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो मुसलमान बोलेगा खैरियत है, तो हम बोलेंगे तीन दिन से भूखे, इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा जाकर रोड पे खड़े हो गए। ये देखिए वाकया है, हदीस पाक का खुलासा बयान करने का अंदाज है कि आपको हंसी आ रही है, वरना हंसाने नहीं आए हम हैं। खड़े हो गए, इंतजार कर रहे, कोई आएगा सलाम करेंगे, जवाब देगा, खैरियत पूछेगा, मैं बोलूंगा इंतजाम हो जाएगा। अब हुरैरा खड़े हो गए, कुछ देर खड़े हुए तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। सलाम, अबू बकर सिद्दीक आ गए। प्यारे मुस्तफा ने कहा सलाम अलैकुम, हजरत अबू हुरैरा ने कहा सलाम अलैकुम या अबा बकर सिद्दीक। तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब तो दिया लेकिन खैरियत नहीं पूछी, और खैरियत जब नहीं पूछी तो खड़े थे जिसके लिए कुछ नहीं हुआ, चले गए अबू बकर सिद्दीक, निकल गए। कुछ ही देर खड़े रहे तो देखा हजरत उमर आ रहे। सुभान अल्लाह, उमर आ रहा का अस्सलाम वालेकुम, तो उमर ने भी जवाब दिया लेकिन खैरियत नहीं पूछी, भूख की शिद्दत बढ़ गई। अबू हुरैरा चुपचाप रोड पे खड़े हैं, आंखें उठी तो देखा आने वाला एक आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, लेकिन जब करीब आया अबू हुरैरा की आंख ने देखा ये आने वाला कोई और नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, प्यारे मुस्तफा आ रहे हैं, करीब आ गए, और चूचू करीब आ रहे हैं नबी। अबू हुरैरा के आंखों में आंसू आ रहे हैं, करीब आ गए। अबू हुरैरा ने सलाम किया तो मेरे मुस्तफा ने जवाब भी दिया और खैरियत भी दी। कहा अबू हुरैरा कैसे हो? कहा या रसूल अल्लाह तीन दिन से भूखा, आपका सिद्दीक गया खैरियत न पूछा, आपका उमर गया खैरियत ना पूछा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू हुरैरा सिद्दीक गए, जाने दो, उमर गए, जाने दो, तेरा पेट भरने वाला नबी यही मौजूद है, चलो मेरे साथ। सुभान अल्लाह, क्या कहा? चलो आगे आगे मुस्तफा जा रहा है, पीछे पीछे अबू हुरैरा जा रहा है। जल्दी जल्दी सुनिए, पहुंचे नबी के घर। अबू हुरैरा की आंखों ने देखा कि 69 आदमी पहले से लाइन में लगा हुआ है। कितना अबू हुरैरा का तो कितना हुआ? आला हजरत का वो शेर है, वो जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जानशी, एक प्याले दूध से 70 सहाबी कभी। आला हजरत का शेर किसी न किसी वाक्य का तर्जुमा होता है जी। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का कोई गोशा होता है या तो किसी आयत का तर्जुमा होता है। 69 पहले से अबू हुरैरा का कितना हो गए? अबू हुरैरा जल्दी से लाइन में लग गए कि अब कोई आएगा तो हो जाएगा, उसके बाद आएगा तो हो जाएगा,
जल्दी से अबू हुरैरा लाइन में लग गए, मेरे मुस्तफा गए, कहा हजरत आयशा को बुलाया, कहा आयशा घर में कुछ है? तो मेरे हजरत आयशा ने फरमाया घर में कुछ नहीं। और कितने लोग बाहर खड़े हैं? और घर में ये बदअकीदा होते तो कहते कैसे होगा, है ना? फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया आयशा घर में ढूंढो, तो हजरत आयशा गई, ढूंढ गया, बोले कुछ नहीं है। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहा फिर जाओ। हजरत आयशा जब तीसरी बार गई तो एक प्याला दूध लेके आई, सुभान अल्लाह, एक प्याला, प्याला समझ, प्याला समझ, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा होता है, दो बंदी को समझाओ कि इतना बड़ा होता है 70 आदमी ऊपर, एक प्याला दूध लेके आया। आई हजरत आयशा का, या रसूल अल्लाह मैं तो भूल गई थी, ये फला सहाबी ने आपके हदीये में भेज दिया, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है कि मेरे मुस्तफा ने उसमें लुआबे दहन रखा, उस दूध में क्या क्या लुआबे दहन रखा। और काबू हुरैरे, काबू हुरैरे जल्दी से आ गए कि आए थे पीछे, लगता है नंबर पहले आ गया। करीब गए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया दूध ले लो और ये सबको पिला। आप होते तो घबरा जाते कि हम पीने आए थे नबी पिलाने के बाद, लेकिन अबू हुरैरा का ईमान कह रहा था जो 69 को पिलाना जानता है वो 70 को पिलाना जानता है। अबू हुरैरा पिलाते चले गए, पिलाते पिलाते, जल्दी जल्दी सुनिए दो तीन मिनट, अबू हुरैरा पिलाते गए, पिलाते गए, पिलाते गए, पिलाते पिलाते गए, 69 को पेट भर पिला दिया, दूध बच गया, दूध बच गया। कहा सरकार, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब तुम पी लो। सुभान अल्लाह, अबू हुरैरा कई दिन के भूखे प्यासे थे, लंबी सांस लिया और पीने लगे, खूब पिया, खूब पिया, खूब पिया, पेट भर पिया, दूध बच गया। या रसूल अल्लाह पेट भर गया, दूध बच गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया थोड़ा सा और पिया, या रसूल अल्लाह हो गया, थोड़ा सा और पी लो, और पिया, या रसूल अल्लाह हो गया। बोले हजरत सिद्दीक के बदले उमर के बदले पी लो। अबू हुरैरा ने पिया, दूध को जमीन पे रखा, नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा या रसूल अल्लाह आपके नजरे आता ने अबू हुरैरा के प्यास को इस कदर बुझा दिया है। अबू हुरैरा का ईमान कहता है अब कयामत तक अबू हुरैरा को इतनी प्यास नहीं लगेगी। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वक्त 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 वक नहीं है, संस्कृत का मतलब उधार रह गया, फिर कभी आएंगे तो सलाहाना जानते हैं ना। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा तौफीक इल्ला बिललाह। उनवान बाकी रहा, अस्सलामु अलैकुम।